उपस्थित सब श्रोतागण, कलाकार और मंडल के अधिकारी, संगीत एक परफॉर्मिंग आर्ट है। काफ़ी साल सीखते हैं, उसमें वो स्किल भी एक्वायर करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनकी प्रस्तुति जो है वो श्रोताओं तक पहुंच नहीं सकती। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आज का जो विषय है कि मंच पर प्रस्तुति किस प्रकार से की जाए, जिसमें प्रभा जी ने बहुत अच्छा विचार किया है और वो विचार हम उनसे जानना चाहते हैं। ये नहीं कि उनको गाने के लिए नहीं ये कहा, लेकिन वो जो गाती हैं तो उस समय क्या क्या प्रकार की, किस प्रकार की आवश्यकता होती है कि कलाकार ने बैठना कैसा चाहिए, माइक्रोफोन कितने दूर रखना चाहिए, तानपुरा कैसा होना चाहिए, कौन सा तानपुरा लेना चाहिए, फिर तबला वादक के साथ उसका कैसे व्यवहार हो, हारमोनियम के साथ साथ संगत कैसी हो, इस प्रकार के इन सब बातों पर आज उनसे हम उनका विचार जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एक जब कला प्रस्तुति के लिए जाती हैं तो पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान आप देती हैं, और कैसे कलाकार ने क्या क्या सोचना चाहिए कला प्रस्तुति के पूर्व, इसके बारे में कुछ है? एक तो अगर फेस्टिवल है तो आगे पीछे बहुत सारे कलाकार होते हैं, तो राग का हम सिलेक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम सिलेक्ट करते हैं कोई और गा जाता है, और ऐसा टाइम आता है कि उस टाइम पे वो नहीं गा सकते हैं। तो एक तीन चार राग के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अच्छा सा उसका रियाज करिए पहले जाने से पहले, रोज़ पूछते रहिए कौन से राग हो गए। अगर मालूम होता है कि आगे कौन गाने वाला है तो मतलब सिलेक्शन करने के बाद उस राग में आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो ये बात हुई, और आजकल ये भी होता है कि फेस्टिवल में जो अकंपनिस्ट है उन्हीं को लेना पड़ता है, हर एक के लिए अलग अलग नहीं होता है, तो वो भी तैयारी रखनी चाहिए कि उनके साथ स्टेज पे अच्छा व्यवहार हो। अगर उनको कुछ सूचना भी देनी है तो ऐसे देने के लोगों के मतलब ध्यान में ना आए। और कोई कोई कलाकार क्या क्या व्यवहार करते आप जानते हैं, मैं बोलूँगी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब आप एक समान स्तर पे है, उनको मान देना है, सूचना भी करनी है, तो मतलब ऐसे करिए कि उनके सामने मतलब उनको अच्छा ना लगे, ऐसे करिए। और फिर घर से निकलते वक्त ड्रेस कैसे करें, स्त्रियों के बारे में मैं बोलूँगी। आप देखिए, मैंने इनको बोला नहीं, अभी ये मेरे साथ काफ़ी मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही बैठेंगे, उनकी साड़ी ऐसे ही रहेगी, ऐसा ही उनका पहराव रहेगा, बाकी लोग कैसे बैठते मैं नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखने में अच्छा लगना चाहिए, प्रतिष्ठित कोई बाई बैठी है स्टेज पे ऐसा लगना चाहिए। वो बहुत सारा मेकअप और वो मेरी अपनी दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी जो शिष्या है वो ऐसा करेंगी, तो मतलब माफक जो भी करना है करना है, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है वो भी काउंट करता है जब आप गाते हैं। तो ये बैठने की बात है, कैसा ड्रेस करना है, और घर में जब आप रियाज करते हैं ना, आईने के सामने करिए, कि बहुत सारे ऐसा होता है कि हमें जो हाथ करते हैं चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, मान हिलाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है, तो घर में प्रैक्टिस करने से वो थोड़ा सा कम हो सकता है, तो वो एक करिए। और अपने चेहरे पे हमेशा स्मित रखिए, हंसना थोड़ा सा। इतना ही नहीं, अपने साथ नहीं, अपनी कंपनीज के साथ भी थोड़ा हंसीए, श्रोताओं के साथ भी थोड़ा वो ऐसा करिए। नहीं, सबको अच्छा लगता है, वातावरण तैयार होता है। और फिर माइक, हमें माइक की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती है, आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन माइक कितने डिस्टेंस पे रखना है, हर कलाकार का जो वॉइस क्वालिटी है, थ्रो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो खुद को जज करना पड़ता है। आजकल पहले जाके हम कर सकते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होता है तो एक के बाद एक आता है, तो वहाँ वो मुमकिन नहीं होता है।
तो लेकिन अंदाज़ा आता है कि चलो माइक की कैसे आवाज़ जा रही है। मॉनिटर्स रहते हैं, मॉनिटर और बाहर का भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ से जो हम कंट्रोल करेंगे बाहर का हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। और माइक हमेशा ऐसा रहना चाहिए, इधर उधर करके हम करते वो ठीक नहीं है। ऐसी मतलब हमको आदत डालनी चाहिए कि माइक को अच्छा सा फेस करे, जब लो नोट्स हम गाएंगे थोड़ा नज़दीक आके, ऊपर जाएंगे थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा ट्रेनिंग की भाग आइए। आप घर में करते रहेंगे अच्छा है, तो उसका आवाज़ क्वालिटी क्लैरिटी अच्छी रहती है। अभी तुम अपना माइक ठीक करो। दूसरी बात, प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक घंटा आप जाइए, श्रोताओं को आप डोंट मेक देम वेट फॉर यू, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये व्यावसायिक नीतिमत्ता है, आप पैसा लेके काम करते, फुकट में काम नहीं करते हैं, तो टाइम पे जाना है। पहले जो करना है एक घंटा दो घंटे जाइए, वह ध्यान लगाना है, कुछ भी करिए, लेकिन स्टेज पे टाइम पे आइए, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर श्रोता नहीं भी आए तो आदत डालिए ना, हम टाइम पे शुरू करेंगे, बाद में श्रोताओं को भी वो आदत लगेगी टाइम पे आएंगे। नाटक में जाते हैं टाइम पे, स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो सारा टाइम पे होता है, लेकिन गाने के लिए कोई भी कभी भी आना है जाना ये नहीं होना चाहिए। मीन उनको भी थोड़ी शिस्त आपकी तरफ से होनी चाहिए, तो आप अगर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी ऑन टाइम, बिल्कुल जो काम करना है वो। फिर कहाँ पे गाना है आपको, किसके सामने गाना है, ये भी बात आती है। जो आप सिलेक्ट करते हैं तो फेस्टिवल में तो आप जानते हैं कि अच्छे कलाकार होते हैं, श्रोता भी मिक्स्ड होता है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, जो राग आपके हाथ में आ गया उसी को गाना पड़ता है आपको। तो टाइम कितना है आपके पास, आधा घंटा दिया है, 45 मिनट्स दिया है, ऐसा नहीं कि अपने हाथ में स्टेज आया छोड़े ही नहीं, ऐसा करते हैं लोग नहीं। फेस्टिवल में बहुत दफ़े होता है जो लास्ट में आर्टिस्ट होता है उसको टाइम ही नहीं मिलता है, 15 मिनट गा के उठो, ऐसा नहीं। अरे भाई उनको भी टाइम दिया है ना, रेडियो में गाते हैं बराबर 20 मिनट्स हाफ एन आवर, लेकिन फेस्टिवल में स्टेज पे गए स्टेज को छोड़ना नहीं। तो अपना टाइम बिल्कुल ठीक रखिएगा, उसमें पहले से घर में प्रैक्टिस करिए ना, 40 मिनट्स गाना है तो राग गाना है, उसके साथ एक लाइट क्लासिकल गाना है, लाइट गाना है, भजन गाना है, तो थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करें कि एक 10 मिनट 12 मिनट आलाप करूँगा, फिर एक 4 मिनट मैं तान करूँगा, ऐसा मतलब थोड़ा सा वो उसका प्रैक्टिस करिए। एंड अगर खुद की महफिल हो तो यू आर फ्री, कौन सा राग गाना है उसका अनुक्रम क्या रखना है, पूरी महफिल का मैं बोल रही हूँ अभी। तो जब पूरी महफिल होती है तो शुरू का राग थोड़ा गंभीर संत ऐसा, अगर जिसमें इलेबोरेशन ज़्यादा कर सकते हैं ऐसा राग चुनिए। तो और राग जब शुरू होता है, हर राग का ज़रूरी नहीं कि आप सा से शुरू करें, कभी ग से कर सकते, कभी नीचे नी से कर सकते, प से शुरू करते, कोई बात नहीं है। तो और जब सा पे आएंगे तो अच्छा सा, मतलब सबको शांति लगनी चाहिए कि बड़ा बहुत अच्छा लगा सा। एक ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट आलाप ही करते, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट अपना कंपोजिशन, जैसी स्टाइल हो वैसी। और फिर बंदिश शुरू होने के बाद अगर आपको बंदिश अंतरा स्थाई अंतरा गाना दोनों गाइए साथ में, नहीं तो खाली स्थाई करके आलाप शुरू करिए। अभी आप क्या गा रही है? अहिर भैरव गाती हूँ। जोर से बोलो। राग अहिर भैरव। अच्छा, पहले और भी सवाल पूछ लूँ, मतलब बोलिए बोलिए। यह है कि जैसे मान लो कि एक कलाकार की पूरी महफिल है तो उसमें पहला राग कितने समय तक गाना चाहिए, ऐसा भी कुछ ये है मतलब? हाँ, अगर आपकी ही महफिल है तो शुरू कर आप राग जो है उसको टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, कि वार्म अप भी होना होता है आपको, वार्म अप वो उसी में हो सकता है। तो जैसे
लेकिन ये नहीं कि एक घंटा तक गाते रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। कंपैरेटिवली इसको टाइम ज़्यादा से शुरू वाला राग, मे बी 40 मिनट्स, बिटवीन 40 to 45 मैक्सिमम। नहीं, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग हमको जब गाना सुन के आते तो कहते कि अरे 1.5 घंटा उन्होंने गाना गाया, मतलब एक और बड़े कलाकार हैं। प्लस पॉइंट होता है उनका। हाँ, वो तो इसके बारे में लेकिन कितना हुआ वो उनको समझ में नहीं आता। इसलिए अच्छा श्रोता होना चाहिए ना, समझदार श्रोता होने से मालूम होता है कि कितना रिपीट हुआ है, क्या हुआ है। हाँ जी, मतलब ये बात ध्यान में रखने की है कि 1 घंटा गाने से बहुत अच्छा गाता है ऐसा नहीं होता है। 10 मिनट भी गाओ, 20 मिनट भी गाओ, तो जो भी समय है, लेकिन अच्छे से ही गाना चाहिए। ये पहली बात उसमें ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कलाकार आजकल कुछ ऐसा भी होता है कि एक बार तबला बजाना शुरू हो जाए तो 5 मिनट तबला ही बजता है बीच में, या तो हारमोनियम बजता है तो 5 मिनट हारमोनियम, तो इसमें कंटिन्यूटी गाने वाले की ब्रेक होती है कि ये जानना चाहते हैं। आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं आपको इशारा करूँगी तभी आप बजाइए, उतना ही बजाइए जी। हाँ, कंटिन्यूटी बिल्कुल ख़राब होती है, मतलब वो हाँ। क्यों, और हारमोनियम का भी होता है, मुझे मालूम नहीं सुयोग ने कैसे सिखाया है। क्या होता है, मैं आलाप गाऊंगी और मैं आगे का सोचती हूँ, उसके पहले इनका जो पुराना आलाप है उसका हो जाता है। हाँ। वो क्लैश होता है फिर, तो ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, बीच में कॉर्ड्स देना है थोड़ा सा, कभी मौका मिले तो थोड़ा सा फॉलो करना है। ये भी समझ लीजिए थोड़ा, मतलब बहुत, बहुत क्योंकि मैं रेडियो में ने बहुत सारे जब गाती थी मैं, तो मैं खाली तानपुरे पे गाती थी, हारमोनियम लेती नहीं थी, मुझे बहुत डिस्टर्ब लगता था उससे। लेकिन महफिल में 3 घंटा गाना है, 2 घंटा गाना है, तो कंटिन्यूस लोगों को भी थोड़ा सा कोई एंटरटेनमेंट चाहिए बीच में। तो पहले आप बोल दीजिए ना, आपको ऐसा ऐसा चाहिए, इतनी हारमोनियम मुझे चाहिए, नहीं तो आजकल भी बोलते हैं ज़रा तबले कहाँ, थोड़ा और बड़ा ऐसा चलता है। ये वोकल्स कहाँ हो गया बता दी है, वो तबला, फिर इसके साथ ये भी उठ जाते हैं, ज़रा हमारा भी सुनो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन आर्टिस्ट तो ये आप जानते हैं, तो इनका आवाज़ ठीक से जाए, और आपके जो है ना कंपनिस्ट, आपका स्थान अच्छा है लेकिन वो अकंपनीमेंट का है, सोलो नहीं आपका, तो वो ध्यान में रख के करना है। अगर इन्होंने छोड़ दिया और बोल दिया कि आप बजाइए, तो जरूर वो ही करना चाहिए। तानपुरे के बारे में ऐसा होता है, एकॉस्टिक तानपुरा जब होता है तो वो हर 5-10 मिनट के बाद वो उसके स्पेशली जब लाइट्स गिरते हैं ना है। अंदर से हम ठीक करके लाते हैं, स्टेज पे आने के बाद लाइट के बाद वो बिखरता है, तो उसको कैसा किया जाए। तबले की भी बात वही होती है, और फिर तबला जो बजाते हैं तो बजाते से उसका सुर बढ़ ऊपर चले जाता है, फिर वो बजाते बजाते निकाल के बाजू में रख देता है, और फिर वो उसमें 5 मिनट जाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी कंटिन्यूटी जो है आपके श्रोताओं से, और आप ऐसे एक रिलेशन जो पैदा होता है, तो वो भी डिस्टर्ब होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए कि जो देवील इन वट एवर कंडीशन हो, ऐसे वो करना चाहिए ना, तो फिर आप हमारी श्रोताओं को आदत हो गई है, वो टक टक करते बैठे रहते हैं, क्या करेंगे, वो भी ये भी बैठे रहते हैं जी जी। तो मतलब जिसके ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं, वी कांट डू इट, तो मतलब उससे होता है कि जो एसी होता है या कोई लाइट्स उसके कारण हवा आती, कभी हवा के कारण खुले मैदान में वो प्रोग्राम हवा भी आती, उससे भी वो माइक से आवाज़ जाती खुरुर खुरुर के, वो भी होता है, लेकिन कांट डू इट ना। तो आइडियल सिचुएशन है कि चलो भाई यहाँ आधे घंटे पहले इंस्ट्रूमेंट ला के रखो, वो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं होता। तो जो कर सकते हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना है पर्दे डाल सकते ना बाजू में, अगर सामने से हवाई तो कुछ नहीं कर सकते। वो भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी असर होता है, हवा अगर अच्छी है होता है असर। और अभी आपने आत्मज्ञान के बारे में
नहीं वो है, लेकिन वो समझ के कोई कोई नहीं करते ना, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। नहीं नहीं करना अच्छा है, लेकिन नहीं करे तो क्या करे, वो भले ही नहीं हो सकता है तो। हाँ तो हाँ ऐसा होना संभव नहीं, कभी नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या कर सकते, नहीं कर सकते, वो तो है। दूसरा ऐसा कि माइक्रोफोन तबले के लिए अलग रखते हैं, ऐसा भी सुना है, और गाने वालों के लिए अलग, और कुछ तो ऐसे भी कलाकार है कि जो अपना माइक्रोफोन भी ले जाते हैं साथ में, लेते हैं आजकल। हाँ उसमें वो इकोसिस्टम या रिवर्बरेशन होता है, तो क्या रिवर्बरेशन की भी इतनी आवश्यकता होती है, मतलब अब ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, काम अच्छा हो रहा है। अभी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे तो वॉइस का क्या क्या करते हैं आप जानते हैं, नीचे ऊपर करते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, अपनी खुद की आवाज़ इतनी सुंदर कैसी है आपको खुद को पता नहीं है। ऐसा भी हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको बढ़ावा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव में भी ऐसे सिस्टम हो जाए तो सुरीला गाना सुन सकते हैं। हाँ लाइव में मुश्किल है, लाइव में मुश्किल है। लेना चाहिए या फिर इस तरह से तानपुरा इलेक्ट्रॉनिक और रियल का उसका मेल कैसे बनाएं? अगर मैनुअल अगर ले सकते जिसको आदत है अच्छी ही बात है, लेकिन वो जैसे वो स्टेडी रहना चाहिए ना, वो नहीं रहता बार बार उसको ठीक करना, फिर वो टाइम भी जाता है, उतना टाइम नहीं होता है, कभी जल्दी लगता है कभी नहीं लगता है, ये भी होता है। तो उस वक्त छेड़ने की भी बात, छेड़ने का भी है उसका, वो एक तरीका है, वैसा ही छेड़ना चाहिए। देखो दो हम क्या करते, किसी को भी बुलाते जरा तानपुरा बजाओ कोई भी आता है उनको खाली टंग टंग ऐसा ऐसा करके बजाते हैं, तो उसका रिदम ठीक नहीं रहता है, साउंड ठीक नहीं रहता है, क्या करे, फिर वहाँ उतरने लगता वो तानपुरा ऐसे ऐसे उड़ने से, ये सब होता है। लेकिन सबके लिए ट्रेनिंग कहाँ हम देंगे, सबको तानपुरे लोगों को भी साथ लेके जाना, मतलब फाइनेंशियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी बहुत सारी बातें आती है उसमें। और कई सालों के बाद जैसे तारे नहीं बदली है तो कभी लग भी नहीं सकती, नहीं उसका वो इंस्ट्रूमेंट अच्छी कंडीशन में रखना, तो ये तो हमारा काम है। नहीं मतलब ऑर्गेनाइजर्स के पास होते तानपुरे वही हम लेते, कभी बहुत दूर जाना है तो कहते तानपुरा तो है एकॉस्टिक, लेकिन वो काम में नहीं, काम नहीं करता, यूज में नहीं होता, तो साथ में स्ट्रिंग्स लेके जाना है, स्ट्रिंग लेके जाना है हमेशा, मतलब ये भी हो सकता है कि इस प्रकार से, और एक फड़का भी लेके जाना है उसको अच्छे से पहुंचना और दोरे का बंडल भी, दो धागे का बंडल भी, वो भी हमारे पास में रहता है ये सब लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए ना, फिर हम दो दो तीन तीन तानपुरे लेके जाएंगे साथ में। वो 5 मिनट के बाद वो उसका वो सुर जो है हिलता है एकॉस्टिक तानपुरे का, क्योंकि क्लाइमेट के इसमें वो होता ही है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हम, इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ है कि करना पड़ता है, नहीं तो एकॉस्टिक अच्छा ही होता है। दूसरा ऐसा डिस्टेंस जो है तबला और हारमोनियम का और गाने वाले के साथ वो कितना होना चाहिए, जैसे अभी ये डिस्टेंस है। हाँ मतलब आप मतलब देखना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा नहीं इतना कि देखे ही नहीं, जो आप सूचना करना चाहते आपके नोटिस में ना आके सूचना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देखना ज़रूरी है एक दूसरे को। जी नहीं मतलब जैसे जहाँ उसको मॉनिटर्स नहीं है, हाँ, तो उस समय तबला तो लाइव सुनना पड़ता है, मॉनिटर है तो मॉनिटर से आप तबला सुन सकते हैं, लेकिन जब नहीं है मॉनिटर तो ऐसे समय उसका डिस्टेंस बदलते हैं ऐसा, तो मतलब ये धीमे उनकी आवाज सुनाई देती नहीं है, स्टाइल कैसी है, मतलब धीमे बजाते हो कोई जोर से बजाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सब मतलब वेरिएशंस बहुत है इसमें तो आइए पहले बीच में सुनते हैं थोड़ा, फिर उस पर चर्चा करते हैं। राग अहिर भैरव आपके सामने प्रस्तुत कर रही है चेतना बना।
और तानपुरा लगाने की प्रैक्टिस करना है, बहुत कठिन काम है ये तानपुरा का ट्यूनिंग करना, बहुत कठिन है। तो उसकी प्रैक्टिस घर पे करे दो पिचेस में या कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी सी ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस तो ज्यादा। ये लाइट वाले एकदम शुरू हो जाते हैं, सुर में गाते कोई भी सुर पे एकदम शुरू हो जाते हैं, वैसे ट्रेनिंग माइंडसेट उनका वैसा ही हो जाता है, हमें भी वैसा करना है। वो आवाज लगाना में हमको 5 मिनट लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्ची। तानपुरे भी कुछ अच्छे बोलते नहीं, मतलब सुर में लगने के बावजूद अच्छे नहीं बोलते वो, ऐसा भी होता है, उनके आस ठीक नहीं रहती है। शुरू में खुद ही अनाउंसमेंट करना है राग का, अच्छी बात है। मैं आपके सामने राग अहिर भैरव प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें 3 बंदिशें, विलंबित 1 ताल, मध्य लय 3 ताल और ध्रुत 3 ताल। नहीं, बहुत जरूरी है। गायन से पहले मैं अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ अवसर दिया, और मैं अपने गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ गा रही हूँ। और आजकल ये भी होता है कि यह फलाने की कंपोजिशन है इसकी, ये भी बोलते हैं आजकल, बोलना ज़रूरी है। हाँ, वो भी मैं बोलती हूँ। जो भी बंदिशें मैं प्रस्तुत करूंगी, तीनों ही बंदिशें मेरी गुरुजी द्वारा रचित हैं।
अभी थोड़ी देर से भारती जी का भी इंटरव्यू लेंगे। Yeah.
Yeah.
बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। एक अच्छी प्रस्तुति आज सुबह में हमको सुनने मिली। मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे एक राग हमने शुरू किया तो क्या उसके बाद द्रुत बंदिश गाना ज़रूरी है, एक पहला सवाल। और फिर दूसरा है कि कुछ कुछ लोग तीन बंदिश गाते हैं, चार भी गाते हैं, तो क्या ये रिपीटिशन जैसा लगता है या कुछ आपके विचार हैं इसके बारे में? अभी इसमें जो तीन कंपोजिशंस इसने गाए तो अलग लय की थी वो, तो ये करना ज़रूरी भी है। ये सारी लय एक विलंबित में भी हो सकती है जी। लेकिन वैरायटी लाने के लिए सारे लोग जानकार नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते, उनके लिए ये लय का काम अच्छा, तान वगैरह अच्छा लगता है उनको, तो वैरायटी के लिए होनी चाहिए। अगर नहीं भी हो तो चलता है, लेकिन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर ऑडियंस। नहीं, कुछ कलाकार ऐसे हैं कि विलंबित ख्याल ख़त्म होने के बाद रुक जाते हैं और फिर द्रुत बंदिश शुरू करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मतलब एक कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी लोग बीच में तालियां भी देते फिर हाँ, द्रुत वाला शुरू करते हैं, बंदिश शुरू होते हैं, तो हाँ इमीडिएटली शुरू करना चाहिए क्योंकि एक ही राग का कंपोजिशन हाँ पेश। ये भी एक महत्व की बात सामने, एक के बाद एक शुरू होना चाहिए बिना रुक के, विलंबित द्रुत जो गाना है कितनी कंपोजिशन गाना है। और तालियां बजाने वालों ने भी सोचना चाहिए कि ये कंप्लीट खत्म हो गया कि नहीं पहले। उनको क्या मालूम, तिहाई लेके खत्म करते इधर, उनको क्या मालूम है फिर। हाँ जी, आप पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीच में जो अगर तान बहुत बड़ी ले ली या एक सांस में तान ली तो बहुत दफा श्रोता है ताली बजाते, तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं होता? होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों बातें हैं कि आर्टिस्ट को अच्छा लगता है ना, अच्छा काम कर रहा है। और तो फिर ये ही बार बार रिपीट नहीं, बार बार नहीं करना चाहिए, एक आध दफे हो जाए ठीक है। नहीं, एक दफा होता है, नहीं तो श्रोताओं को बहुत बार ऐसे होता है कि वो ही फिर से एक्सपेक्ट करते, एक्सपेक्ट हाँ, करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाती है और कलाकार भी वो राग एकदम बाजू में हो जाता है और तानबाजी हो जाती है, हो जाती, ऐसे बहुत बार होता है। सेकंड टाइम करे तो नहीं करना है आर्टिस्ट ने, फिर चुप रहना। ताली रूल्स नहीं, आदत की बात है। यहाँ भी बैठ सकता है तबल जी, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते तो इधर भी होता है, जरूरी नहीं, स्टेज पे हम लोगों को आदत हो गई है। बस दोनों एक एक दूसरे को सब देखना चाहिए, बस यही बात है। आजकल को कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि ताली बजाने वालों को भी बुलाया जाता है, मतलब आमंत्रित किया जाता है। नहीं, वाकई होता है, एक दो तीन लोग शुरू करे बाकी सब ताली बजाते हैं, उनको सामने बिठाया जाता है, बीच में बिठाया जाता है, ये बाबा भी होता है उसके साथ, बाबा भी होता है। अपने वो प्रवृत्ति लाइव में कैसे करेंगे, लाइव में भी अच्छा। और जिनको समझता नहीं वो भी तालियां बजाते हैं, मतलब हाँ, सबका देख के करते हैं ना। हाँ, बाकी लोगों ने बजाई तो हमने ताले बजाई। हाँ, वहाँ तालियां शुरू हो जाती है। प्रभा दाई, वहाँ पे कितना खींचना चाहिए वो ऊपर वाला शर्ज? जहाँ जहाँ तक अच्छा लगता है तब तक, अपने को जितना अच्छा लगता है उतना करना है, वो लोगों के लिए नहीं करना है। होता है ना, वो भजन के साथ शुरू हुआ ये ज्यादातर। एक कलाकार गा रहे थे और शज्जे पर पहुंच गए तो श्रोताओं ने तालियां बजाई, फिर वो लंबा खींचते रहे, फिर रुक गए, फिर दोबारा शर्ज लगाए, फिर लोगों ने ताली बजाई, तो 6-7 बार हो गया। बोला नहीं अभी ऋषभ लगाना है मेरे को, तो अब रुके, तो कहने लगे नहीं जब तक सांस ठीक से नहीं लगता तालियां नहीं उठे। तो तात्पर्य यह है कि मतलब तालियां, जैसे भवालकर साहब का गाना सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम जो फाइननेस उसमें काम करते हैं, काम करते हैं तो उसमें तालियों से डिस्टर्ब होता है, तो कहते हैं कि वो मत बजाइए, लास्ट में बजाइए। बाहर के देशों में
ऐसा होता है कि वो लास्ट में ही बजाते, तब तक पूरा पूरी तरह से सुनते, लेकिन हम लोगों को आदत है कि रिस्पांस लेके हम लोग गाते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तालियां ना बजाए, लेकिन आप जैसे वाह है यह है, लेकिन वो भी ज़्यादा ना हो। एक्सप्रेशन देखिए ना, श्रोताओं के मुँह पर एक्सप्रेशन क्या है वो भी दिखता है। जी जी, आजकल अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। एक सवाल आया था जैसे कि किस नंबर का माइक्रोफोन गायन के लिए उपयोग में है। जैसे ये श्योर के माइक्रोफोन से यहाँ जो है, इसमें दो प्रकार के माइक्रोफोन हमको दिख रहे हैं। नितिन पाटिल इसका ज़्यादा ये देंगे कि एक डायनेमिक माइक्रोफोन है और एक कार्डाइट है इसमें। तो श्योर के माइक्रोफोन तो कौन से किस लिए हैं, थोड़ा आप इसकी जानकारी दें तो अच्छा है। आपके पास होगा माइक्रोफोन, इधर आपने ये जो दिया है डायनामिक माइक्रोफोन, नहीं वो रिबन माइक्रोफोन और ओमनी डायरेक्शनल है ना ये, तो ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है मैडम के पास है, वो ओमनी डायरेक्शनल। हाँ, तो वो क्यों, मतलब लोगों को पता चले कि वो किस प्रकार का माइक्रोफोन किस इसमें प्रयोग में किया जाता है। बोलिए बोलिए। मुझे माइक्रोफोन से सुनने की आदत है, माइक्रोफोन पे बोलने की आदत नहीं है। तो ये जो श्योर का SM58 माइक्रोफोन है, वो कार्डियोड शेप का नहीं, जैसा हमारा हार्ट होता है उस शेप का उसका पिकअप पैटर्न रहता है रिस्पांस उसका। तो अगर उससे आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपका आवाज़ नहीं आएगा, पैड जो साइड है पूरा डेड रहता है, अगर ए साइड से भी बोलेंगे आप तो भी कुछ नहीं आएगा। थोड़ा उसको एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का वो माइक्रोफोन को प्रॉब्लम है SM58 को। अगर आप माइक्रोफोन के नज़दीक जाएंगे तो आपका बेस बहुत बढ़ता है, लंबा जाएंगे तो आपका हाइज बहुत बढ़ता है, तो उसको वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उतना ही है। बाकी वो माइक्रोफोन बहुत अच्छा है SM58, सिर्फ उसको प्रेशर बहुत लगता है। उसके बदले में अगर सिनेजर के जो माइक्रोफोन है वो कम प्रेशर पर चलते हैं, बस इतना ही फर्क। ओ जो ताई के हाथ में, हाँ सिनेजर के माइक्रोफोन तीन प्रकार के, ये सिनेजर का है, ये डायनामिक है। हाँ नहीं, सभी डायनामिक है सर। यहाँ पे हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसको फीडबैक आता है बहुत। अच्छा, उसको सभी डायनामिक माइक्रोफोन है, उसको फीडबैक में प्रॉब्लम। कम से कम याद में याद रखिए कि कम से कम कौन सा माइक्रोफोन है। यस, तो डायनामिक माइक्रोफोन और 58 मतलब कंपनी का, हम ये नहीं करें यहाँ आपको बता रहे हैं तो कहेंगे कंपनी का कुछ है। तो कहने का मतलब और जो हारमोनियम के लिए दिया है वो SM57 है, उसमें थोड़े शार्प हारमोनियम के लिए, उसमें शार्प थोड़ा अच्छा आता है, शार्प अच्छा आता है। SM58 बेस के लिए नहीं नहीं, उनसे ये कहना था। हाँ जी बोलिए। कंडेंसर में पिकअप ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सराउंड साउंड में भी आता है उसमें। वो कंडेंसर माइक्रोफोन स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग लाइव के लिए नहीं यूज़ कर सकते कंडेंसर में। उसका पिकअप बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो पिकअप ज़्यादा रहने से फीडबैक में बाकी का भी सब आता है। और ये जो हमने लाया था, ये इसका पैटर्न सब जगह से, अगर आप ओमनी डायरेक्शन अंजलि ताई के लिए लाया है मैंने, उनका प्रॉब्लम था, वो ऐसे ऐसे करती है थोड़ा सा। तो ये जो नया है, यानी उसका पैटर्न आता है कि आप जब खरीदते हैं तभी पैटर्न देख के लेना पड़ता है। हो मतलब जो झूम के गाते हैं उनके लिए ओमनी डायरेक्शनल कहीं से भी गाओ इसमें आवाज़ आ जाएगी। लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी एक रहता है कि आपका तबला भी पिकअप करता है, वो भी पिकअप करता है। जी जी, तो ताई ने जो कहा है कि ऐसे ऐसे मत गाइए, वो सही है। एक और सवाल है कि कलाकार के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व या जो रहन सहन है, विचार हैं, उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कुछ लोग गाते अच्छा है लेकिन उनका बाकी आचार विचार, तो उस पर भी कुछ विचार करने की, थोड़ा ट्रेनिंग लेना चाहिए प्रोफेशनल जिसको बनना है, ये सब कैसे पहराव करना है, कैसे बोलना है,
कैसा क्या करना है. आजकल बहुत सारे क्लासेस निकले हैं. अच्छा सच्ची है इसका ट्रेनिंग देने के है कि कैसे बात करें आप लोगों से. ये सब है. थोड़ा तो करना चाहिए. अभी सब चेंज हो गया है. लोग ये भी देखते हैं ज़्यादा इसी को देखते हैं. हाँ वो ज़्यादा वही होता है कि उसी की ओर ज़्यादा देखा जाता है. क्योंकि महाराष्ट्र टाइम्स में जब न्यूज़ आई थी तो उस पर बहुत ये हुआ था व्हाट्सएप पर कि कलाकार का जो रहन सहन है और वो है वो भी उसके कला का एक प्रदर्शन होता है. तो उस पर भी विचार कैसा सोचता है वो रिफ्लेक्ट होता है. जी जी अभी का ये सेशन जो है आपके लिए. हाँ जी पूछिए. एक सवाल हेलो एक सवाल मुझे भी पूछना. हाँ जी हाँ आप पूछ लीजिए. थम्बा हेलो. हाँ आप पूछिए. प्रवतय कलाकार ऐसा होता है कि उसको गाना यानी सब कुछ होता है उसका. सब कुछ यानी गाने से ही आनंद सब कुछ मिलता है. और अभी उसके अब तुम्हारी उम्र हो गई तो गाते नहीं तो आपको बुरा लगता बहुत. आप गा नहीं सकते. नहीं नहीं गा नहीं सकते यानी अभी परफॉर्म नहीं करते. करते हैं ना. अच्छा मेरे को यहाँ नहीं लग यहाँ के आने तो यहाँ नहीं कर रही हूँ मैं परफॉर्मेंस. जब गाना करना है तो बोलना नहीं होता है. अच्छा नहीं मेरे को वही कि ऐसा नहीं करता है क्या ऐसे नहीं, नहीं किया नहीं. तो मेरे को ऐसा लगा. सॉरी नहीं 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 प्रभाताई आप माला एक आपल्याला अभी हमने मायक्रोफोन के बारे में बोला है तो उसका थोड़ा सा प्रयोग करिए कि कितना दूर रखना है. देखा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है. इसको यूं ऐसा करने से खराब होता है माइक्रोफोन. दूर पकड़ के बोलिए 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 और नजदीक चाहिए. ठीक है थोड़ा दूर दूर करिए उसको थोड़ा दूर. सुनाई दे रहा है. हाँ दे रहा है. आपको सुनाई दे रहा है. ठीक है आपको सुनाई दे रहा है. ठीक है. हाँ जी आपने जो कल के पूरा दिन में भी आपने बताया कि अच्छा गाना चाहिए सुर में गाना चाहिए सब मुझे अच्छा लगा. जी लेकिन आज जो मंच प्रदर्शन के लिए जो ये हुआ उसमें मुझे ऐसा पूछना है कि बहुत बार मैं सुना हूँ कि राग का कोई प्राण स्वर होता है जीव स्वर होता है. हाँ. तो उस सुर से शुरुआत होनी चाहिए. जैसे आपने कहा कि सभी राग सा से नहीं शुरू होता है. वैसा कुछ उसके बारे में आपकी कोई राय है क्या. कल इसके बारे में चर्चा हुई ना. अभी वो शास्त्र अभी नहीं रहा है मतलब उसको फॉलो नहीं करते. राग पूरा आपको मालूम है ना आहिर भैरव कैसा है. अगर फलाने व्यक्ति अगर मेरे मुझे मिलने आता तो मुझे वाली यही व्यक्ति है ना. फिर खाली उसका हाथ का देखूँ मैं. हाथ देख के वो व्यक्ति आया ऐसा समझना है क्या. फलाना फलाना आर्टिस्ट मुझे मिलने के लिए आ रहा है तो वही आ रहा है ना. अगर वो दूसरा कोई आता है तो आपको मालूम पड़ता है. तो अंश स्वर अगर आप जो बोल रहे हैं अगर उसको अगर गाए तो आपको मालूम पड़ेगा आहिर भैरव है करके. खाली वही स्वर लगाया तो आपको मालूम पड़ता है क्या आहिर भैरव आएगा मतलब गाने वाली है. जब तक वो अंश स्वर वादी स्वर को जो भी है आप बात कर रहे हैं उसको जब घुमाया नहीं इधर उधर तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आहिर भैरव है करके. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जीव स्वर से या वादी स्वर से ही राग शुरू हो. षड्ज से हो सकता है कोई भी स्वर से होता है. वो कलाकार की अभिव्यक्ति है और स्वतंत्रता है उसकी कि वो अपना विचार अपने उससे प्रस्तुत करे. जीव स्वर से ही होना चाहिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है. मतलब हमारे देखने में नहीं आया. शायद हो सकता है ग्रह स्वर कहते हैं वो अलग था. वो जाति गायन में उसकी आवश्यकता थी. वो जाति गायन के रूल थे. वो ख्याल गायन को नहीं लगाए जा सकते. हाँ जी हेलो. हाँ कल के ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ये था एक कलाकार के लिए अपना कला सब कुछ है और एक कलाकार को अच्छा कलाकार बनने के लिए अपने आप को कला के तरफ समर्पित करके
रियाज एक में वह तरीका है कि एक अच्छा कलाकार बने. बिल्कुल. और मैं उससे एकदम सहमत हूँ और एंड आई एम श्योर कि यहाँ बैठे सब लोग सहमत हैं. बट जब हम उसे एक प्रोफेशन करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, देयर हैज़ टू बी सम लेवल ऑफ कमर्शियलाइजेशन. इट कम्स ऑटोमेटिकली. आजकल उसी की बात कर रहे हैं हम. उस कमर्शियलाइजेशन कैसे उसमें लाए, प्रोफेशनल कैसे बने. My question is, how do I, without diluting my music, earn good money out of it? Repeat your question again. Without, मतलब मैं मेरे music को dilute किए बिना अच्छा पैसे कैसे कमाऊँ? Now it's about a profession, right? So, profession is money. I want to earn money out of it. I don't want to dilute my music. I don't want to do the commercial stuff. ये सब हम करते, dilute थोड़े कर रहे हैं हम म्यूजिक को. अगर अच्छे कपड़े पहने, अच्छे रहन सहन के यहाँ बैठे तो dilute. अच्छी बात करें हम, dilute कहाँ करें हम. dilute करने के और तरीके हैं वो जो आजकल हो रहे हैं. I agree. उसके बारे में कह रहे हैं वो. उसके बारे में कह रहे हैं आजकल जो है वो, मतलब राग और वो थोड़ा सा बाजू में रख के लोग उसको डाइल्यूट करते हैं कला को. नहीं, वो बोल रहे कि मुझे डाइल्यूट नहीं करना है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. आई विदाउट डूइंग दैट आई वांट टू अर्न गुड मनी. या हां, बट डोंट डाइल्यूट. नो नो, इट इज नॉट नेसेसरी. बिल्कुल नहीं. व्हाई डू यू हैव टू डाइल्यूट? बिल्कुल नहीं. ऐसा हुआ है कि जैसे वो तबले से कुछ आवाज़ निकालना है, फिर गले से कुछ आवाज़ निकालना है, फिर इंस्ट्रूमेंट वो उसको फ्यूजन करना, तो राग को पूरा डाइल्यूट करके मतलब सितार पे पिक्चरों के गाने बजा के क्लासिकल राग में. पर वो डाइल्यूट नहीं करना है, फिर भी उनको पैसा कमा तो कर सकते ना. आपका गाना बजाना है, अच्छा है तो ज़रूर करेंगे हम लोग, नोटिस करेंगे आपको. थैंक यू. ये फ्यूज़न, क्लासिकल में फ्यूज़न की जो परंपरा अभी नई नई शुरू हुई है, वो क्या आप उसको? कोई भी नई बात शुरू होती ना, उसको टाइम देना चाहिए कि कैसी जा रही है आगे. एकदम हाँ ना करना अच्छी बात नहीं है. लेट इट ग्रो, लेट इट. थोड़ा सा और वक्त देंगे, उससे क्या निकलता है देखेंगे. हेलो ताई, नमस्कार. मी बोलते इकडे, हाथ वर केलं. अच्छा, हाँ बोलिए. मुझे ऐसा पूछना है, सब माता पिता की तरफ से मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आजकल की जो पीढ़ी है वो शार्प भी है, उनको सुर का ज्ञान है, नेचुरली भी गॉड गिफ्ट भी बहुत सारी उनको मिली है, लेकिन आजकल का स्कूल का या कॉलेज का जो शेड्यूल है उसमें अगर कुछ अलग कला उसमें है और उसको डेवलप करनी है तो इन बच्चों ने किस तरह से टाइम निकालना है. बच्चे और पालक दोनों भी, अभी प्रॉब्लम तो दोनों का ही हो रहा है. बच्चों को भी जो कुछ सिलेबस देते हैं वो पालक भी घर में आने के बाद उनको सपोर्ट करते हैं, तभी उनका वो आगे बढ़ता है. तो कला अगर आगे बढ़ानी है इन बच्चों में की, तो किस तरह से उनको प्लानिंग करना चाहिए? या क्योंकि आपने कहा कि मैं 24 घंटा गाने में ही रहती थी, वो रियाज का ही प्रकार है. मतलब बाकी साहब सब काम करती थी, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बैंक में जाना, ऐसे थोड़ी है बैठे रहती थी. बिल्कुल. लेकिन फिर भी अभी वो 24 घंटे में ये सब आ गया, लेकिन सीरियसली अगर सोचना है तो वो टाइम बहुत कम दे पा रहे हैं बच्चे भी और पालक भी. तो नहीं, सुनिए, देखिए, अगर आपको करना है आप टाइम निकालते ही है, करनी बात है आपके मन में तो आप कैसे भी करके करेंगे, वो करना ही चाहिए. मैंने नौकरी की, रेडियो की नौकरी की, एसेंडरी की नौकरी, 10 से 5 तक, और खाली 10 से 5 तक नहीं, जो सिंसियर काम करते हैं उनको और काम करना पड़ता है. तो वो सारा मैंने किया है, उसके बावजूद मैंने ये किया है. मेरे बाप माताजी पिताजी मेरे साथ थे, आई लुक्ड आफ्टर देम. पूरा संसार किया मैंने विदाउट हस्बैंड, सब हुआ. तो फिर ये काम पूरा किया मैंने. मेरी बहन की लड़की मेरे साथ थी जब छोटी थी, तब से मेरे साथ थी, मतलब पूरा पूरा किया मैंने. वो काम करते करते ये भी चालू रखना है, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ना, खाली इसके ऊपर करना है. ये सब करके ये करना है और अच्छा करना है. हेलो हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है. जब भी क्लासिकल का भी प्रोग्राम रहता है यहाँ से, तो ज़्यादातर एक दो राग लेते हैं, उसके बाद सेमी क्लासिकल, भजन, ठुमरी कुछ भी लेते हैं. अगर ऐसा किसी को नहीं गाना चाहते, मतलब
पूरा राग का ही स्वरूप लेकर तीन चार राग लेकर अगर परफॉर्म करना है तो मतलब आजकल आप बोलिए ना गुरुजी को बोलिए कि हमको क्लासिकल ही सीखना है। हाँ तो ऐसा मतलब चलता है क्योंकि हम जैसे नए जो कलाकार नहीं है आप जैसे लोग चाहते हैं कि कोई गाना गाए कोई लाइट सिखाए ये करे बाहर जाके फिर परफॉर्म करे ऐसा नहीं पर कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे राग ही गाना है। आप बोले ना उनको जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसे भी कहते हैं ना अभी आपकी उम्र नहीं है मतलब आप अभी छोटे हैं जैसे कि आप अभी आपका जो मतलब आपने जो स्टेज पाया है तो आपको हक है कि आप जो कहते हैं और ऑडियंस सुनता है। हाँ आपने कहा कि पूरा क्लासिकल ही गाना चाहती हूँ मैं लाइट नहीं गाती तो ऑडियंस एक्सेप्ट करता है पर हम जैसे जब कलाकार नहीं थोड़ा तो भजन चाहिए ना नहीं तो लोगों का अच्छा पर हमारा मन नहीं करता कि मुझे अभी तक वो उतना अच्छे से नहीं आता जितना मैं क्लासिकल गाती हूँ तो मेरा मुझे मन को अच्छा तभी लगेगा जब मैं पूरी महफिल राग में ही गाऊँ। इतना तो, पेशेंस आपके पास है खाली क्लासिकल जब तक आपको अच्छा गाना नहीं है गा तब तक आप सीखती रहेंगी इतना पेशेंस है आपको ज़्यादा तक अभी इस एज इस स्टेज बहुत टाइम लगता है इसको बहुत टाइम लगता है। अच्छे की बात कर रही है आप तो बहुत टाइम लगता है आपको पेशेंस ज़रूर करिए। अच्छे के लिए पेशेंस बहुत है मुझे मतलब मुझे अच्छा ही गाना है पर जब वो क्या रहता है ना क्लास से में अगर लाइट क्लासिकल भी हाँ, सीखे तो उसमें क्या हर्जा है। नहीं अच्छे से कोई गुरु मिला तो जरूर सीखना चाहते हैं हम पर ऐसे ही हो जाता है कि कभी सुन सुन के ही नाट्य गीत बोलो भजन ये पर उसका हर एक का तरीका अलग रहता है। भजन गाना सिंपल नहीं है मैडम। हाँ वही तो वो अच्छे से उसका ट्रेनिंग मिला तो ही गाने में कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसे ही मुझे कहना। जो भजन सिखाते उनके पास जाइए सबको एक मतलब हर गुरु हर बात नहीं सिखाते जिनको जो अच्छा आता है उनके पास जाइए चॉइस आपका है। ऐसे वक्त आप अपने मूड पर माहौल को कैसे संभालते हैं कंट्रोल कैसे करते हैं। अपने प्रोफेशन पे निष्ठा कला पे निष्ठा वो करके करना होता है। बहुत मुश्किल होता है मुझे याद है मैं नागपुर में थी तब तो कौन सा गांव था ट्रेन से जाना पड़ता था अगर नेक्स्ट ट्रेन अगर छूट गई तो पूरा दिन रहना पड़ता था दूसरी ट्रेन नहीं थी और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये बोला नहीं मुझे और कि अगर आप वक्त पे नहीं पूछे पहुँचे तो आपको स्टेशन पर रुकना पड़ता है नेक्स्ट डे तक तो अगर ऐसा बोलते तो शायद मैं प्रोग्राम नहीं लेती इसलिए उन्होंने ये बात नहीं कही मुझे। और गणेश फेस्टिवल का प्रोग्राम था हम गई ट्रेन लेट हो गई दूसरी ट्रेन निकल गई रात को पहुँचे रात भर हम उस स्टेशन पर रहे और मैंने फ़ोन किया ऑर्गेनाइज वो बोले यहाँ से 40 मील है अगर आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं 40 मील कैसे चलूँ आप रात को चल के फिर प्रोग्राम करूँ तो बोले ऐसा करिए आप 10 मील का कुछ करिए फिर आगे हम गाड़ी लाते हैं। तो एक रिवर थी ऐसे उसके ऊपर लंबे लंबे ऐसे लकड़ी के रखे थे उसमें से चल के रात को हम गए 10 मील कुछ 2 मील तो ऐसे चले उसके बाद रात में हाथ में खाली टॉर्च था किसी के हाथ में टॉर्च था वो हारमोनियम तबला और मैं तानपुरा तो नहीं था भगवान की दया से तो वहाँ करके नहा के इमीजिएटली स्टेज पे जाके बैठे और वो महफिल इतनी अच्छी हो गई लेकिन दूसरे दिन मैं उठ नहीं पाई थी पूरा रात वो चलना गाना ऐसा हो सकता है ना। अच्छा एमएससीबी के गणेश उत्सव में आपकी महफिल थी। अच्छा हारमोनियम वादक के प्रावधान करना था अब वो इंजीनियर पड़े वो गांव में ढूंढते रहे उनको एक पाकी दिखी यहाँ हारमोनियम रिपेयर होते हैं तो लगा कि हमें कोई हारमोनियम वादक मिलेगा उन्होंने रिपेयर को जीप पे बिठाया और हमको साथ सफर के लिए बिठा दिया। उस वक्त आपने जो अपने मूड को जो संभाला वो मुझे आज भी याद है। चल हारमोनियम ना तो चलता है लेकिन तबले का क्या उसका बहुत मुश्किल है। अमेरिका में मैं जब बहुत मतलब
70 की बात है, उस वक्त इतने सारे नहीं थे लोग तबला बजाने वाले, किसी को कैरवा आता था या दादरा, उसके आगे कुछ नहीं आता था। तो वो कैरवा भी संथल में शुरू करे, 2 मिनट में द्रुत में हो जाता था। फिर उनको बोलना नीचे आओ, और सारे गाने कैरवे दादरे में गाए मैंने विलंबित। ऐसा भी करना पड़ता है ना, क्या करें। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्केल। इफ आई एम यूजिंग काली पाच एट द टाइम ऑफ कॉन्सर्ट, एंड ऑन द अदर हैंड आई एम यूजिंग सफेद छे एट द टाइम ऑफ रियाज, सो इज इट गुड और नॉट, इज इट बैड। आप कंफर्टेबल फील करना चाहिए स्टेज पे, स्पेशली कंफर्टेबल आप फील करती काली पाच तो यू कैन यूज काली पाच। But I am using सफेद छे at the time of रियाज। Doesn't matter. If I am using two different scales, so is it good? Why not? If you are comfortable, फिल्म में कौन से स्केल में गाते हैं लोग, ये मेंटल हमारा थोड़ा सा होता है ब्लॉक, अभी इसमें कर रहे हैं उसमें कैसा होगा, कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू। इसमें मेरा विचार ये है कि ऐसा एक माना जाता है कि आपका जो स्वर है तो महफिल में गाने का जो स्वर है थोड़ा कम रहता है, रियाज करते हम थोड़ा बढ़कर करते आदि स्वर का, और फिर महफिल में थोड़ा कम करके गाते हैं। मेरे ख्याल से सारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्टेबल फील करना है खुद को कि नीचे ऊपर आवाज ठीक जाती, कम से कम एक सब तक कौन सा भी सुन लीजिए ना। एक ऐसे भी रहता है कि हर महफिल से पहले थोड़ा रियाज आवश्यक होता है, ऐसे एक माइंड वो भी है। ऐसा मतलब सुबह उठ के नीचे ही गाना है ऐसा मत करो, एकदम ऊपर गाओ, कुछ नहीं होता है। ये सब चेंज करना है हमारे, इधर इतना बैठा है अंदर जाके, ये लाइट वाले उठते गाते हैं कौन से सुर में कहीं भी पहुंचते हैं, वो हमको भी ऐसा करना चाहिए। वो बैठ बैठ के मन में नीचे का सुर लगाओ, शुरू में सांस से शुरू करो, कुछ नहीं। मला स्वतःला खूप फायदा झाला ते सिलेबस केल्यानंतर, जो अभ्यास करावा लागला मला स्वतःला, कारण पुस्तकं उपलब्ध नव्हती त्या विषयाची, लोकांना भेटून वाचून मी नोट्स काढल्या होत्या। चालू आहे तर हां, जो मैंने मुझे अच्छा लगता है पर्शियन म्यूज़िक, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने, मतलब पॉप म्यूज़िक भी सुनती हूँ, फिल्म म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ मैं। बहुत सारी बातें हम ले सकते हैं, उन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शास्त्रीय संगीत में ला सकते हैं, उसको और सुंदर कर सकते हैं। तो वो मेरा नेचर रहने से मैंने जो वो कर्नाटक संगीत मुझे अच्छा लगता था, वेस्टर्न म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, तो जो जो मुझे अच्छा लगा वो सारा मैंने वो सिलेबस में डाल दिया, राइट फ्रॉम फोक म्यूज़िक, एक भी म्यूज़िक छोड़ा नहीं था मैंने उस वक्त। और वो एक्सपोजर अच्छा रहा, लेकिन बाद के जो टीचर्स हैं उन्होंने आई डोंट नो, मैंने सुना कि वो बंद किया है करके, कि उनको है। वेरी गुड, आज भी मैं बता सकता हूँ। ए वेरी गुड, अगर है तो अच्छी बात है। और उस वक्त जो पीएचडी उस वक्त उस विषय में करते थे उनको हमने बुलाया था ताकि उनको भी एक रिवीजन हो जाती थी, यानी लोक संगीत के प्रकाश खंड के थे उसके ऊपर। हाँ, एथनोम्यूजिकोलॉजी वगैरह सब करते थे। सब किया था, लेकिन अभी मैं भी भूलने लगी हूँ। काफी दिन हो गए। उस समय आकाशवाणी में था ना, उस सर्विस का सर्वोच्च अनुभव था आपको, अपना गाना रोटेशन के लिए कैसा फायदा और आपने कैसा लिया। एक तो वहाँ सारे आर्टिस्टों को मैं मिल सकी, उनका गाना सुन सकी रिकॉर्डिंग करते वक्त, बन रही थी वहाँ पे, तो वो सीखना होता है, सुनना मतलब सीखना होता है कैसे आप सुने और उसमें से क्या लेना है, क्या प्रैक्टिस करना है। मुझे बहुत उसका फायदा हुआ आकाशवाणी की नौकरी। कुछ प्रयोग भी किए होंगे आकाशवाणी में कार्यक्रम निर्मिति में? एक मुझे एक अष्टपदी का एक किया था, अच्छा था, आई विश मैंने रिकॉर्डिंग रखा हुआ
रेडियो के पास शायद नहीं होगा, अभी मैंने पूछा था, वो तो सब जाता है वहाँ। हाँ, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स किए थे मैंने, बॉम्बे रेडियो में भी किए थे, लेकिन मैंने साथ उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। टू बैड। सबसे सबको पूछना है ऐसा, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, और करना है तभी तो हम कॉन्फिडेंटली गा सकते हैं ना। नहीं तो जो सब गुरु आपके जैसे नहीं है, मतलब जो हम जो बताते वही गाइए, बस ऐसा करते हैं, पूछना नहीं गुरु को, ऐसा नहीं है क्यों करना है ये राग में ऐसा फ्रेज क्यों करना है, पूछना चाहिए। अगर आपको वो लगता है ये नहीं होना चाहिए फ्रेज इसमें, पूछिए ना क्यों ले रहे हैं, ये क्यों करना है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि क्लासिकल के साथ भले आप लाइट्स क्लासिकल ना गाए, बाहर लाइट म्यूज़िक ना गाए, फिल्म म्यूज़िक ना गाए, लेकिन गाने की कोशिश करिए खुद, फिर उसको आपको मालूम होता है कि कितना फ़र्क है, क्या करना चाहिए। दूर से हाँ हाँ अच्छा है ऐसी बात मत करिए, खुद सीखिए गाने की कोशिश करिए, फिर क्लासिकल अच्छा गाएंगे, लाइट क्लासिकल अच्छा गाएंगे आप, वो फ़र्क मालूम होता है ना, राइट फ्रॉम वॉइस का, टेम्परामेंट का, म्यूजिकल मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्लासिकल में शब्द कैसे आप बोलेंगे, लाइट क्लासिकल में कैसे बोलेंगे, इतना फ़र्क सूक्ष्म है, वो जब करेंगे तभी मालूम होता है ना। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत कम क्लासिकल के लोग देते हैं, क्योंकि लाइट और क्लासिकल में क्लासिकल इज ऑलवेज वैल्यूड मच मोर देन लाइट, देयर इज नो क्वेश्चन की त्याचा उसमें नहीं वो, मैं तो मानती नहीं सारे एक समान है, ऐसा है ही नहीं है। हम जा हेलो गुरुओं का हमारा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन इनका इतना अभिमान लगता है आपका कि आप ये बोलती है कि सब गाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। हेलो हाँ चालू है चालू। सिर्फ भारतीय अलग अलग म्यूजिक ही नहीं, मुझे उन्होंने तो हमें पाश्चात्य म्यूजिक का भी प्रयोग करने के लिए ये लिया था, हमने एक फ्यूजन टाइप बनाया था, उनकी बंदिश लेके बनाया था, दैट वाज वो बहुत ही क्या बोलते हैं धाड़स को क्या बोलते हैं मनमालूम नहीं साहस था, और उनके सामने हमने भैरवी की वो बंदिश ऐसी बनाई थी कि उसका आधा भाग हम भारतीय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गाते थे और आधा भाग हम पाश्चात्य म्यूजिक में गाते थे, और वो उन्होंने उसको अच्छा बोला, इतना ही हमारे लिए बहुत काफ़ी था। ऐसे जैसे नया ये बोलती कुछ सोचना चाहिए, जैसे करना ये बोलती चाहिए। है वैसे बहुत ही कम गुरु ऐसे है वो बोलेंगे कि हाँ पाश्चात्य म्यूजिक भी देखो आप, ट्राई करो कैसा लगता है देखो ऐसा। मैडम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, वो ऐसा है कि जैसे हम लोग एक शास्त्रीय संगीत की एक डिग्री देते हैं, मतलब एमए म्यूजिक, तो क्यों हेलो हेलो सुने हाँ जो डिग्री दी जाती है वो क्लासिकल म्यूजिक में दी जाती है कि क्लासिकल म्यूजिक एमए या अलंकार या संगीताचार्य, क्यों ना इस प्रकार की डिग्री का की शुरुआत की जाए कि लाइट म्यूजिक एमए, बिल्कुल, या और पाश्चात्य म्यूजिक संगीत एमए या संगीतकार म्यूजिक कंपोजर, उसमें डिग्री इस प्रकार के, मुड़े जी है यहाँ और भंडारे जी है हमारे शिक्षक परिषद के ये हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लाइट म्यूजिक का भी एक इसका कोर्स हो कि जो पूरा एमए तक चले और पाश्चात्य संगीत का चले, फिर संगीतकार के तौर पर चले, इतने सारे टैलेंट है लेकिन उनको सिर्फ क्लासिकल सीखना पड़ता है, मतलब उसमें गलत है ऐसा नहीं, वो भी सीखे, उसको मतलब माइनर में क्लासिकल रहेगा और मेजर में उसका लाइट म्यूजिक या अलग, इस प्रकार के कोर्सेज जरूर खेड़ागढ़ में है, इस प्रकार से लाइट म्यूजिक का भी और फोक का भी वहाँ पे, हाँ फोक म्यूजिक का होना चाहिए और लाइट का भी वहाँ पे डिग्री का क्लासेस वहाँ पे, अच्छी बात है, होना चाहिए होना चाहिए। और फिल्म म्यूजिक में भी होना चाहिए, फिल्म म्यूजिक एमए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए इस प्रकार के, लेकिन ये विचार करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन इसमें,
कि अलग अलग प्रकार के कोर्सेस ये बनेंगे तो तब म्यूजिक लोग ऑर्केस्ट्रेशन आजकल कितना ऑर्केस्ट्रेशन म्यूजिक कंपोजिंग बोलिए जैसे भारतीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत कर्नाटक के क्लासेस मिलेंगे आमतौर पर सभी जगह में यही इसी की एग्जाम्स चलती है परीक्षा चलती है वेस्टर्न सीखने के लिए मोस्टली सब ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन को फॉलो करते हैं मैं खुद गई हूँ मैं 5 एग्जाम्स वहाँ पे की है उसका पैरेलल इंडिया का गांधर्व महाविद्यालय से क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग अखिल भारतीय उसमें हैं तो वेस्टर्न नहीं कर सकते क्यों वहाँ पे जो है वो बहुत सच बात बोलती हूँ बहुत महंगा पड़ जाता है एक पहली प्रारंभिक जो हमारी लेवल की एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम उसमें 4,000 से 5,000 रुपया पर क्लास 1,000-2,000 फीस इस तरह से वो एकदम अपने लेवल से 5 गुना बढ़ जाती है कॉस्ट फिर एग्ज़ाम के लिए उनके फॉरेन से मतलब लंदन से एग्जामिनर्स आते हैं तो वो कॉस्ट भी ज़्यादा है भी 5वीं 6वीं 7वीं 8th इज़ द लास्ट एग्ज़ाम तो वो एग्ज़ाम मुझे कम से कम 10,000 से 15,000 पड़ जाएगी एग्ज़ाम फिर क्लासेस करूँगी महीना 3,000 से 5,000 तक फीस देनी पड़ेगी अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है तो गांधर्व महाविद्यालय सुर में तो फ़र्क नहीं है वही 12 सुर है वही कॉम्पोजिशंस है एक बेसिक वेस्टर्न क्लासिकल कॉम्पोजिशन होते उसमें भी वेरिएशंस किए जाते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं तो लेकिन यहाँ प्राइवेट टीचर्स नहीं है क्या प्राइवेट टीचर्स इतना ही कॉस्टली है अच्छा वो रेगुलर ऐसे इंस्टीट्यूट कोई है नहीं जैसे कि गांधर्व महाविद्यालय अच्छा। या स्कूल्स है या कॉलेजेस में जैसे अपना संगीत सिखाया जाता है तो अगर गांधर्व महाविद्यालय का सस्ता करने के लिए गांधर्व महाविद्यालय सस्ता नहीं अप्रोचेबल मैं क्यों बोल रही हूँ इट बिकम्स अनअप्रोचेबल महंगा होने से वो आम पब्लिक के रीच में नहीं रहता टीचिंग के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए ना इनको अगर भी लाना है बहुत सारे हैं जो सीखे वो भी पैसे मांगे जैसे आपसे 4,000 मांगते यहाँ नहीं अभी जैसे अगर गांधर्व महाविद्यालय से बड़ी जिसका एक्सपांस है सब जगह में फैली हुई है तो उनका सेटअप कॉस्ट कम हो जाता है तो हम लोग वाजवी फीस पे वो अवेलेबल कर सकते हैं या यूनिवर्सिटीज है ऐसा तो विचार मैं एक रख रहा हूँ विचार अच्छा है कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल क्यों ये एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ फीस बहुत लोग जो है अच्छा आता है उनको फिर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोरल म्यूजिक जो मैंने 4 एग्जाम्स दी ट्रिनिटी कॉलेज की ट्रिनिटी की तो आपको पता है मैं जो बात बोल रही हूँ आप उसके मुझे इतना पैसा नहीं देना पड़ा आपके टाइम में फीस कम होगी अब तो इतनी कम नहीं है अच्छा तो फिर होता यूँ है कि लोग जो है वो उनके जो कोरल सॉन्ग्स होते हैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं जी इसलिए मैं बोल रही हूँ इसी वेस्टर्न नोट पर हम टी ब्रेक करते हैं थैंक यू हमारा अंतिम सत्र शुरू हो रहा है इसमें सभी यहाँ उपस्थित हेलो हेलो अंतिम सत्र में हम चाहते हैं कि जितने भी जो श्रोतागण हैं उनको जो पूछना है वो ज़रूर पूछे और फिर बाद में हम 2-4 क्वेश्चंस उनसे पूछने जाने वाले लेकिन पहले आप सब लोग जिनको जो पूछने हाँ जी शास्त्रीय संगीत का आवाज़ और लाइट क्लासिक लाइट म्यूजिक का आवाज़ हम फ़र्क कैसे रखें फ़र्क कैसे रखें ऐसे नहीं बोल सकते जब आप गाएंगे ना तब फ़र्क तो करना है ये बात बिल्कुल पक्की है तो जब आप क्लासिकल गाते हो और लाइट गाते हो तो उसी आवाज़ से अगर गाए क्लासिकल के तो क्या होता है देखा है क्या आपने करके देखा है कभी कभी होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या आती है सुर लगाव में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है मतलब ऊपर गाना पड़ता है इसलिए नहीं फिर वो अलग दोनों का आवाज़ अलग आना चाहिए ना तो मुझे ऐसा नहीं आप अपनी आवाज़ लता जी से मत कंपेयर करिए अपनी आवाज़ में गाना है वो गाना अच्छा गाना है बस इतना ही है अपने स्केल में
अपनी आवाज़ में गाना है, खाली उसके जो शब्द उच्चार है, उसका जो मूर्खिया है, जो क्लासिकल में हेवी हो के आता है, उसमें थोड़ा सा लाइट अंग से जाता है, वो ध्यान में रखना है, गा के देखना है अपने आवाज़ में, अपने स्केल में, वही गाना। उसी स्केल में गाने से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब लोग हाई गाते बहुत, और वही काम करते हैं पूरा। हमको अगर सब करना है, क्लासिकल ये भी करना है, वो भी करना है, तो अपने आवाज़ में गाओ। थैंक यू। क्लासिकल और लाइट के ब्रीदिंग टेक्निक में भी फ़र्क है ना, उसका अभ्यास अलग से करना पड़ेगा? नहीं, ब्रीदिंग जैसे लाइट में उसकी डिमांड अलग है ना। हाँ, तो जो सॉन्ग है वो बीच में ना टूटे वो देखना है, इधर आलाप ना टूटे ये देखना है, फ्रेज ना टूटे वो ध्यान में रख के करना है, अलग मतलब ऐसी कोई खास ट्रेनिंग नहीं, वो नीड की तरफ जाना है वो। नहीं, वो जो मेलोडी तैयार होती है ना, ट्यून तैयार होता है, वो कौन से स्केल में अच्छा लगेगा वो देख के करते हैं वो लोग। क्यों, सारे गाने पॉपुलर है फिल्म वाले, कौन से भी स्केल में गाइए अच्छे गा रहे हैं, और सारे गाने पॉपुलर है, एक भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसका गाना पॉपुलर नहीं है आज, जो जितने भी गा रहे हैं। एक भातखंडे जी का स्टेटमेंट मैं बताना चाहूँगा। भातखंडे जी ने संगीत शास्त्र इसमें लिखा है कि राग के लिए भी एक स्वर होना ज़रूरी नहीं है, कि जैसे बहार राग गा रहे हैं, अड़ाना राग गा रहे हैं, तो उसके लिए आपका अलग पिच आप ले सकते हैं, और यमन है, बिहाग है, क्योंकि जो उत्तरांग प्रधान राग है उसमें गले को फाड़ फाड़ के गाना और चिल्ला के गाना, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सुर उसको नीचे लेके, लेकिन यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स और इसके मर्यादा होने के कारण हम लोग जैसे अब कोई सफ़ेद 6 में बजाना है, सफ़ेद 5 में बजाना है, तो बजाने वाले को भी मुश्किल होती है, तबला बार बार वो तो चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये कंसेप्ट आ गई है कि एक ही सुर में पूरा वो क्लासिकल गाया जाए। लेकिन उनका लिखा हुआ ये वाक्य है कि राग गाते समय भी आप तो, मतलब उसके बाद इंटरवल के बाद दूसरा राग लीजिए, उस समय आप सुर बदल के गाइए और वो भी अच्छा लग सकता है, ये प्रयोग करना ज़रूरी है, ऐसा भी लिखा है। लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करें कि कोई भी स्केल में, मतलब कोई भी राग एक ही स्केल में अच्छे से गाए, ये हाँ, प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जो अपना सुर है उसमें नीचे ऊपर जाने की कोशिश करिए अच्छी तरह से, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, मेरा सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उपशास्त्रीय संगीत गायन में जैसे कि परीक्षा के लिए हम रागदारी जब गाते हैं तो राग का व्याकरण, हम राग का जो व्याकरण है उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उपशास्त्रीय संगीत प्रयास करते हैं तो वो राग का व्याकरण जो है वो कितना फॉलो करना चाहिए, या उसको मिश्र भी किए तो कितना करना चाहिए? दोनों तरफ से गा सकते हैं, प्योर राग में भी ठुमरी अच्छी गाई जाती है, वो लहजा उसका, आवाज़ का, फ्रेजिंग का वो चेंज करिए, मिश्रण नहीं करके वही राग तिलंग काफ़ी अच्छा गा सकते हैं, लेकिन दूसरे राग स्वर लाने से और अच्छा लगता है, फ्रीडम ज़्यादा है, तो काम वही करना है ध्यान में। यहाँ जो व्याकरण आप करते हो उतना व्याकरण, लेकिन कम से कम आरोह जो स्वर है राग के उतने रखिए, उसमें कान काम हो सकता, अच्छे से काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ व्याकरण नहीं करना है, लेकिन स्वर वही रखने हैं, तिलंग में ही गाना है ठुमरी या काफ़ी में ही, दूसरे स्वर नहीं लाना है, वो हो सकता है ना, लेकिन राग में जैसे एक एक स्वर लेके आप प्रोग्रेशन करते वो नहीं, वो जो सॉन्ग है टेक्स्ट सॉन्ग है उसके मुताबिक उसका विस्तार होना चाहिए, ये करना है। नमस्ते ताई, अभी हम गाना सीखते हैं लेकिन हर किसी में काबिलियत नहीं होती है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने की, लेकिन वो अपने आप को डेडिकेट करना चाहता है म्यूजिक के लिए, उसको और क्या कर सकते हैं? इफ दे वॉन्ट टू डू एनीथिंग अदर देन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट,
Like sikhate, teaching is one thing. There are so many other music related professions. Recordist ban sakte acche se. Event management to bahut chal raha hai aaj, usme jaiye, hum aayenge aapke sath. बहुत बहुत अच्छा चल रहा है उन लोगों का. तो मतलब ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक रिलेटेड प्रोफेशंस है, उसमें जाइए, हो सकता है वहाँ भी अच्छा म्यूज़िक का ज्ञान होना चाहिए. नमस्ते मैडम. नमस्ते. अच्छा, ये जो बंगाली म्यूज़िक में दो धारा है, रविंद्र संगीत एंड नजरुल संगीत, इसके बारे में आपका विचार सुनने की इच्छा है. अभी वो रीजनल लैंग्वेज में है, फिर भी रविंद्र संगीत बहुत नॉन बंगालियों को टच किया है और हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, बहुत एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, तो उसके बारे में आपका विचार. उसका अभ्यास नहीं मुझे. अच्छा, नहीं मैं कुछ बोल देती. आप कुछ पूछ रही थी, समीक्षा क्या है? आजकल समीक्षण जो लिखा जाता है संगीत के कार्यक्रम के बारे में, वो जो होते वो तज्ञ संगीतज्ञ नहीं होते. आप ऐसा काम करेंगे तो कलाकार बहुत आपसे खफा हो जाएंगे. कोई पेपर वाला आपको रखने वाला नहीं है. अच्छा समीक्षक नहीं, अच्छा समीक्षण करने के लिए मुझे लगता है कि संगीत की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, आपके पेपर में संगीत कला विहार में कर सकते समीक्षा. कम से कम वहाँ ऐसी म्यूजिक मैगजीन्स में हो सकता है. प्रभा जी, एक सवाल है. ख्याल गायन में जैसे कि 30-40-45 मिनट्स जो भी उसका ड्यूरेशन होता है, एक ख्याल का क्या होता है? ख्याल गायन, हाँ, क्या होता है? तो 30-40 मिनट्स का ख्याल होता है, हाँ. तो उसमें तान का प्रयोजन क्या होना चाहिए और तान का रेशो उसमें कितना होना चाहिए? अगर आप अलाप अच्छा कर सकते हैं, तान अच्छी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है ना. अगर आप अलाप में स्ट्रांग है तो अलाप का पोर्शन ज़्यादा रखिए, तान का कम रखिए. दोनों में अच्छा है तो दोनों अच्छे रखिए. नहीं, आजकल मतलब कभी कभी कॉन्सर्ट्स में ऐसा सुनने को मिलता है कि 4-5 आवर्तन 7-8 आवर्तन अलाप के हो जाते हैं और फिर ताने शुरू हो जाती है. तो उसका मतलब अलाप की कमी है. इसका मतलब अगर ऐसा मैं समझती हूँ मतलब, या फिर ऑडियंस अलाप को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसने देखा होगा, फिर तान शुरू हो गई, ऐसा भी हो सकता है. तो आइडियली वो कैसा होना चाहिए? आइडियली अलाप से तो राग डिटेल में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, अलाप ही होना चाहिए. लाइक 70-30 या 75-25 ऐसा होना चाहिए. ओके, थैंक यू. प्रणाम. तक प्रणाम. मैं बोलिए जी, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि कल ये विषय निकल चुका था, आज मैं पुनः दोहरा रहा हूँ. मेरे हिसाब से कल वो बात पूरा नहीं हो पाया था. वो शिक्षा पद्धति से संबंधित बात है. क्या? संगीत शिक्षा. कल आपने बताया था कि इस शुरुआत किस तरह से करना चाहिए. तो अलंकार ऐसे सरगम कुछ ऐसे होना चाहिए जो भविष्य में उसके बहुत काम आए. हाँ, ऐसा काम करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा जो भी आप करेंगे काम वो आपके प्रेजेंटेशन में आप उपयोग में ला सके. जी जी जी, हाँ. और मुर्की भी आपने सिखाया अपने विद्यार्थियों को, और अलग मूर्छना भी सिखाया, हाँ, कल आपने बताया, हाँ, था. मैं चाह रहा था कि वो चीज़ क्रियात्मक रूप में आप अपने किसी विद्यार्थी को लेकर के थोड़ा बता दें. तो अलग से हम सेशन करेंगे ना. नहीं, होता नहीं है. आप अपने विद्यार्थियों को अगर नहीं, विद्यार्थियों को लेके ही करेंगे. आप आइए फिर से क्रियात्मक करेंगे, मूर्छना का कैसा उपयोग करेंगे, अलंकार का कैसा करेंगे. जी जी, हाँ, ठीक है. ये भी प्रश्न शायद क्रियात्मक के लिए होगा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि जब रागों की तुलना का प्रश्न आता है, रागों की तुलना, तुलनात्मक अध्ययन, तो एग्जैक्टली इसको इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि विशारदपूर्ण या अलंकार से भी आगे जो राग है, तो वो जब राग सीखते हैं तो ठीक है, तब तक कि थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं, लेकिन जब वो तुलनात्मक अध्ययन का विषय आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता क्यों है. क्यों आपके गुरुजी नहीं बोलते ये खास इसका आलाप है,
ऐसा करे तो ये राग होता, ऐसा बोलते हैं ना आपको? हाँ, लेकिन वो फ्रेजेस से ही दिखाने हैं या? तो फ्रेजेस से ही दिखाएंगे ना. Okay. फ्रेजेस से ही दिखाएंगे. प्रभा ताई, कोई कलाकार ऐसे कहते हैं कि आप राग चिकित्सा ज़्यादा ना कीजिए, राग अनुभव कीजिए. तो क्या राग चिकित्सा राग अनुभव के लिए बाधा डालती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो कभी कभी चिकित्सा ज़्यादा हो जाती है और राग का अनुभव तो करना कम हो जाता है. किसी बात को ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, खाली चिकित्सा ही नहीं करना है. तो अप्रिशिएट करते करते वो भी थोड़ा धन की थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है. लेकिन ये बात, ये उसका अंग अच्छा है, ये थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा करिए. नमस्कार ताई, मुझे पूछना था कि मैंने एक्चुअली पहले काफ़ी साल कर्नाटक संगीत भी किया है और अभी गुरुजी से हिंदुस्तानी संगीत सीख रही हूँ. तो एक प्रश्न मेरे मन में आया था, वो आपसे पूछना था कि कर्नाटक संगीत में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाय एंड लार्ज जो राग के रूल्स होते हैं वो बाय एंड लार्ज यूनिफॉर्म होते हैं. बिल्कुल. और हिंदुस्तानी में मैंने आई मे बी रॉन्ग पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि अकॉर्डिंग टू ईच होता है. हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू ईच घराना राग के थोड़े नियम अलग होते हैं. जैसे कोई फ्रेज अगर जयपुर में यूज़ किया जाता है कोई राग में तो वो ग्वालियर में नहीं किया जाता है. राइट. तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू दैट इज इट मेंट टू बी लाइक दिस और कैन समथिंग बी डन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस यस्टरडे. स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब हमने एक बात कर की. अभी तो है, आई मीन देर आर वेरिएशंस, ईच घराने में अपना अपना है. सो उसको कुछ एक प्रमाणित करना है, मानकीकरण करना है, ये सब जरूरी है. हमने कल डिस्कस किया ये. आज के तिथि में घरों की सेंसिटिविटी कितनी रही है परफॉर्मेंस में और होना जरूरी है? घराने जब नए थे तब क्या स्थिति थी ये हमको मालूम नहीं है. तो वो स्थिति फिर से आ रही है. लेकिन ये बात सच है कि किसी एक स्टाइल में आप अच्छे से सीखो, एक फाउंडेशन तैयार होता है और फिर आपकी जब तैयारी होती है, ये आपकी क्षमता बढ़ती है, देन यू कैन बोरो ना जो अच्छा लगता है, जो इससे अच्छे से असिमिलेट होता है आपके गाने में, स्टाइल में. ज़रूर लेना है, क्यों नहीं लेना है? न तो मोनोटोनस गाना वही वही गाते रहेंगे आप ना. जो भी करेंगे उसमें अनुशासन तो होना जरूरी है. नहीं, वो तो फॉलो करना ही करना है, मनमानी नहीं करना है. जैसे मैंने कहा, जो भी बात आप करेंगे उसके लिए लॉजिक आपके पास होना चाहिए. मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों लिया है, ये यू शुड बी एबल टू. घराने के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे अनुशासन शब्द आपने कहा तो मतलब अच्छा भी लगा, लेकिन घराना ये अनुशासन नहीं है. दैट इज़ एस्थेटिक अपील ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाइल. उस पर वो घराना निर्भर करता है कि उसकी एक सौंदर्य की विशेषता, उसको हम लोग घराना कहते हैं. अब ऐसा है कि घराने के नाम वो जो लिखे बताए जाते हैं, जैसे भिंडी बाजार है, किराना है, वो गांव के नाम से हैं. तो आजकल ऐसा हो रहा है कि कई सारे घराने निकल चुके हैं, मतलब नए नए बहुत घराने आ रहे हैं. फिनिक्स घराना आपने सुना होगा कि नहीं? फिनिक्स घराना, तो फिनिक्स में कोई एक ये सिखाते हैं और वो उस प्रकार से गाते हैं और वो फिनिक्स घराना नाम से हो जाएगा. अब हम सोच रहे हैं कि कोथरूर घराना भी सोनी घराना बीच में आया था, मतलब कैसेट पर से सीखने वालों को सोनी घराना कहा जाता था. तो ये तो मतलब होते रहता है, लेकिन विशेषता होनी चाहिए. कहने का हमारा भी ये है कि कोई विशेषता हो कि जो एस्थेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है. आपकी आइडेंटिटी होने ज़रूरी है, जो भी काम करे ये इनका काम है. घराने के लिए तीन जनरेशन लगते हैं ना? वो सब गया अभी, यहाँ से शुरू हुआ यही ख़त्म हुआ, ऐसा भी होता है. अब हाँ,
तो त्रिवेणी घराना कह दीजिए उसको और क्या सर 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 मैं शास्त्रीय संगीत का प्रचार होना चाहिए इसलिए गांव-गांव में केंद्र रखे हैं एग्जाम के तो कोई भी विशारद हो जाता है किसी भी तरह से और वो क्लास निकालता है और उसी तरह से उनको पढ़ाता है ये हमारे जिले में बहुत चल रहा है ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन तो कोई भी नहीं क्या? हो सकता कोई भी विशारद ऐसे इसी के लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं ना कल जो डिस्कशन हुआ ऐसा नहीं हो करके एक स्टैंडर्ड लाए हम इसी का काम कर रहे हैं अभी शुरुआत हो रही है अच्छा होगा सब अच्छा होगा हाँ तो मैं मेरी ये सोच है कि मैं मेरे जिले को मर्यादित रखते हुए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जिले के जो सभी शिक्षक हैं उनको इकट्ठा करके मैं मेरे गुरु या जो कोई है सीनियर उनको बुला के एक 3-4 महीने में एक बार उनसे रियाज करो और फिर आप अपने बच्चों को सिखाओ मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सब बच्चे मेरे पास आओ जरूर करिए बहुत सुंदर तो ये ठीक रहेगा क्या मैडम उस पर आपका जो वो है ना कांसिन की एक स्कीम है तो हाँ। मैडम वो उसके बारे में बता रही हाँ नहीं, हाँ कांसिन स्कीम वैसे कांसिन स्कीम मैडम की नहीं श्रोता को तैयार करना बहुत जरूरी है आजकल कलाकार घर घर में है श्रोता नहीं है कोई भी क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से ये फैक्ट मैंने देखा है कि 8 राग अगर पहले एग्ज़ाम को दिए हैं ना तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि मेरे बच्चे को पहले जाने दो उसके सिर्फ 2 ही राग है उसकी जल्दी हो जाएगी मतलब ये कौन सी एग्ज़ाम है प्रारंभिक से पहले की एग्ज़ाम है कि 8 राग तो है 2 और वो जो जज होता है उसी लेवल का जिले के लेवल का वो वही जिसने वो सिखाया है ना वो यमन के आलाप हुए ना यमन के आलाप और भूप के तान यमन के तान नहीं हुए इसलिए वो पूछता ही नहीं ये तो बात बहुत मतलब छोटी है मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी वर्क का क्या होता है ये मैंने कल बोला है तो आप कंपेयर करिए ये सब हमको चेंज करना है हाँ तो ये पहले से अगर हुआ तो पीएचडी तक नहीं जाएगा हम सब काम करें सॉरी सॉरी मतलब गाने के लिए हर दिन पीएचडी है मंच पर बैठो पीएचडी का काम करना है तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो क्या मंडल हमें जरूर सहायता करेगा जरूर जरूर आप मांगिए उनसे जरूर देंगे वैसे आपने इतना अच्छा सुझाव दिया है कि आपको वाइस चांसलर बनाना चाहिए नहीं है ना तो मतलब ये प्रॉब्लम है समझते हैं हम लोग लेकिन नहीं वो जो कह रहे थे कि कोई भी विशारद होता इतना सीधा भी नहीं है आप करके देखिए किसी को कोई बता दीजिए एक एग्जांपल तो हम तो देखेंगे कि भाई सच में ऐसा होता है क्या ये तो कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसे हो जाता है स्टैंडर्ड हम लोग होता है सर एक्चुअली एक एक उदाहरण बता दीजिए कि जो ऐसा हो गया है कि एकदम से प्रारंभिक से बैठा और विशारद हो गया क्यों फिर नहीं नहीं देखे नहीं सर एक्चुअली क्या होता है ना एग्जाम नहीं ये विशारद में नहीं पढ़ाया जाता मैडम नहीं नहीं विशारद की डिग्री दी जाए इसका मतलब काली पाँच में वो पढ़ाया जाता है ये ऐसा नहीं होता काली पाँच वो मालूम नहीं कहाँ है नहीं, ये नहीं, बोल रहे हाँ हाँ नहीं आपका कहना बराबर है ये हमारे एजुकेशन का बहुत स्तर नीचे हो गया है बिल्कुल ठीक है हमको उसको उठाना है ऊपर परीक्षा की हेलो उनको उनको परीक्षा की बात हम यहाँ हेलो समाप्त करते हैं आज मंच प्रदर्शन से हम आरंभ किए हैं और इस बारे में मैं एक पूछना चाहता हूँ एक मिनट कि
कल एक बात मैंने कही थी प्रास्ताविक में कि पहले कलाकार खुद के लिए गाता था, आर्ट फॉर आर्ट, कला के लिए कला, अब ये प्रोफेशन बन गया है, व्यवसाय के लिए हम गाते हैं, श्रोताओं के लिए गाते हैं, मगर कई कलाकार ऐसे होते हैं कि फिर अगर हम श्रोताओं के लिए गाते हैं तो श्रोताओं की जो कुछ संवेदना होती है या कोई फरमाइश करता है तो कई बार कलाकार अपना जो उत्तरदायित्व है श्रोताओं के प्रति वो भूलता है कि नहीं मैं ये नहीं गाऊंगी, मैं ये अभी नहीं गाऊंगी। अगर आपकी कुछ रचना उन्हें विशेष पसंद है, आपका कोई ठुमरी पसंद है तो वो सुनना चाहता है आपकी ओर से, तो कई कलाकार अवेयर कर दे नहीं मैं आज नहीं गाऊंगी, दूसरी बार कभी गाऊंगी, तो ये कितना सही है। अगर फरमाइश, जैसे कभी कभी भैरवी गाने के बाद मुझे लोगों ने कहा मारी बात गाइए, हाँ तब तो मैं कहूँगी ना कि भाई आज छोड़िए मैं फिर आऊँगी, मारू ब्याह से शुरू करूँगी। हाँ मतलब ऐसा भी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस जो फरमाइश आती है उसके ऊपर रियाज भी नहीं होता है, इसलिए भी हम ना कर सकते हैं। मतलब अगर पहले से मालूम हो कि ये लोग चाहते हैं सुनने के लिए तो विल गेट प्रिपेयर्ड, ये भी हो सकता है। और मूड की भी बात होती कि हाँ, उस दिन एक राग के पास कुछ उठेगा अच्छा लगेगा, ये भी है ना। तो दो तीन मतलब हमेशा भी ट्राई टू, चलो इनको प्लीज करते हैं ऑडियंस को ज़्यादातर, क्यों उनके लिए हम गाते हैं, आए हैं वो पैसा दे के आए हैं, तो ये ध्यान में रख के काम करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होता है उसके लिए सारे रीज़न हैं। प्रभाताई जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका गाना ये विचार प्रवर्तक है। आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो विचार प्रवर्तक होते हैं, जिनका सुनने के बाद अलग अलग विचार आते हैं मन में, यानी इसका मतलब है जो जिसने आपके सामने गाया है उसका क्या हो गया है कि विचार सुरों में कन्वर्ट हो गया है। अब ये कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट बात है, वो आप जैसे ही कर सकते हैं मुझे लगता है, तो आप इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं वो मुझे जानना है, क्योंकि मैं भी सिखाता हूँ, मैं मेवाती घराने का गाना सिखाता हूँ और मेरे गुरु है पंडित प्रताप नारायण जी, और मुझे ये जानना चाहता हूँ, वो मेरे बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, मैं भी ये सिखाना चाहता हूँ कि विचार अपने मन में आप अभी क्या मुझे आ रहा है वो आवाज़ में कैसा निकालना चाहिए, ये सबसे बड़ी कला आपके पास है, तो इसके लिए आप हमको जरा कुछ गाइड करेंगे। मन में जो विचार आता है वो हाँ विचार प्रवर्तक गाना आपका है, थॉट प्रोवोकिंग कह रहे हैं, तो आप ऐसे विचार बदलते हैं, एक ही राग अगर भैरव लिए तो आप यहाँ अलग गाते हैं वहाँ दूसरी तरफ और अलग लगता है, उसमें और एडिशन विचार लगते हैं, ये कन्वर्ट करना मुश्किल है बात है, ये ऐसा एक खुद को एक आदत डालना है कि ये जो काम कर रहे हैं मैं फिर से नहीं करूँगी, मैं कुछ अलग रास्ता ढूँढूँगी, ऐसा मतलब मन में अगर रखे हम कि वही काम करने से हमें भी अच्छा नहीं लगता है, श्रोताओं को तो नहीं लगता है, तो खुद को एक आदत डालनी है कि चलो नया इसमें क्या मुझे मिलता है, नया रास्ता कौन सा है, ये करते रहो फिर अपने आप हो जाता है। थैंक यू। एक विचार ऐसा था मला, एक बात पूछनी थी कि श्रोता शायद जानते होंगे कि भारत के बाहर जिन्होंने प्रस्तुति दी है ऐसे आप पहली कलाकार हैं कि जिन्होंने व्यावसायिक रूप में भारत से बाहर प्रस्तुति दी थी भारतीय संगीत की, तो मुझे ये पूछना है कि आजकल ऐसा दिखता है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं या प्रस्तुति देते सिखाने के लिए जाते हैं, तो ये जो एक एंगल है कि विदेशी लोगों को भारतीय संगीत सिखाना, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और वो सच में मतलब कारीगर होता है क्या, मतलब उनको सिखा वहाँ पे जाके लोग जो सिखाते हैं यूनिवर्सिटी सफल होता है क्या, या वो अगर सफल करना है तो क्या चीज़ें ध्यान में रख के करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे विदेशी लोगों को भी सिखाया है इसलिए। एक बात मुझे जो ध्यान में आई कि वो लोग बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, बहुत सिंसियर है, मेरे पास जो बाहर से सीखने के लिए आए थे ना 24 आवर्स काम करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था मैं करती हूँ वही काम करते हैं आने के बाद, और मुझे बॉम्बे का जितना मालूम नहीं उतना उनको मालूम है,
कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कौन आर्टिस्ट है, कौन से घराने का, सब पढ़ते हैं। दे आर वेल प्रिपेयर्ड। मेरे घर में आने से पहले राग के बारे में मालूम करते हैं, सीडी सुनते हैं किसी की, ये सब प्रिपेयर करके आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्पून फीडिंग है उनको, हमारे में वो नहीं है। और प्रैक्टिस भी अच्छा करते हैं। मेरे घर में आके चार चार घंटे मेरे सामने गाते हैं, फिर मतलब वो हमारे मालूम नहीं, दिखाई नहीं देता है मुझे उतना। तो जो सीखना चाहते तो क्यों नहीं सिखाएंगे उनको। हमारे संगीत का बाहर भी लोग अच्छा सुनते हैं, श्रोता अच्छा है, और वो लोग जितना अच्छा काम करते, ये एकेडमिक वर्क उनका इतना अच्छा है जो हमारे में नहीं है। उनका देखिए एकेडमिक वर्क कितना लेवल का है, वो हमारे में नहीं है। और एक इसकी वैसे वर्षा पूछनी थी कि आपने विदेशी संगीत भी सीखा है, जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक थोड़ा या मिडिल ईस्ट का, तो उस वो अनुभव कैसा था? सीखा मतलब मैंने सुना है, सीखा नहीं। ट्रिनिटी कॉलेज का मैंने थोड़ा सीखा है, लेकिन वो मालूम है मेरी आदत है कि कुछ जहाँ जाऊँ मैं कुछ सीखूँ, परीक्षा देने से अभ्यास होता है, नहीं तो अभ्यास नहीं होता है। तो इसलिए मैंने वो ट्रिनिटी कॉलेज का भी एग्ज़ाम दिया। और परिचित म्यूजिक अच्छा लगता है मुझे, उनका जो एक्सप्रेशन है, वॉइस थ्रो है, कॉम्बिनेशंस है। तो कभी कभी मैं जो सेंसिटिव लिसनर्स है उनको मालूम पड़ता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, उनको मालूम पड़ता है। जो ऐसे ही सुनते हैं उनके कान से इधर उधर चला जाता है। मुझे एक बात नहीं, कहाँ ला सकते उनका वो जो इफेक्ट, हाँ वहाँ करना है वो काम। मुझे एक बात पूछना है आपको, आपने संगीत नाटक में भी काम किया था तो जबरदस्ती किया था नहीं, व्हाटएवर, बट नहीं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि जब आपको एक डिसीजन लेने का टाइम आया कि संगीत नाटक मुझे नहीं करना है, यही करना है, उस टाइम आपके मन में कैसे विचार चल रहे थे? कि क्योंकि एक चालू हो जाता है तो वो स्टॉप करने का वेरी डिफिकल्ट है, वो कैसे मन में विचार नहीं आपने? संगीत मेरा चालू ही था, मतलब नहीं, संगीत नाटक और क्लासिकल ऐसे दो, क्लासिकल पहले से चालू था मेरा। अच्छा। और ये नाटक के लिए उनको कोई लड़की नहीं मिल रही थी, छोटी वाली गाने वाली ऐसी। अच्छा। तो फिर शारदा से एक दफ़े मालूम हो गया लोगों को, फिर इधर गाओ, उधर उधर भी काम करो, उधर काम करो, ऐसा हुआ। पूरी रिलक्टेंटली मैं कर रही थी, मतलब अच्छा, मतलब आई डिडंट वांट टू डू इट एज ए करियर। हाँ, तो मेरी मानसिकता वैसे ही थी ना, अगर अच्छा लगता तो मैं कंटिन्यू करती, इसीलिए वही तो बोल रही। हाँ। अच्छा है लग रहा है, अच्छा वो नहीं, इसलिए नहीं लग रहा था आपको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था काम करना, नाटक देखना अच्छा लगता। हाँ, काम करना अच्छा नहीं लगा इसलिए अपने वो बंद कर दिया। हाँ, लेकिन वो जो डिसीजन रहता है ना कि चालू है वो बंद करना। हाँ, अगर लेकिन ये भी चालू था ना मेरा, शास्त्रीय संगीत का भी प्रोग्राम्स वगैरह चालू थे मेरे। वो तो है। हाँ, अच्छा। इसलिए मुझे ये बंद कर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नहीं आया। हाँ, अच्छा। अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या करे, ऐसा होता। आप कुछ पूछना चाहते, कल पूछ रही थी आप मुझे, आपको एक क्वेश्चन करना है, पूछने वाली थी एक सवाल। अच्छा। बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे गाते हैं, लेकिन सभी को ऐसे प्रोग्राम बहुत मिलते हैं, ऐसे नहीं है, सबको नहीं मिलते। तो जिनको नहीं मिलते इनके लिए आप क्या कहोगे? इनके लिए मैं कहती हूँ कि अभी जो ज़माना चल रहा है, आपका पीआरओ अच्छे से बढ़ाइए। उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना फिर ऐसे। नहीं, ये करना चाहिए ना। आप घर में अच्छा गाएंगे, लोगों को कैसे मालूम होगा? सीडी भेजिए, बायोडाटा भेजिए, खुद थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, वो भी करना पड़ता है आजकल। करना है जैसे और कोई बिजनेस करेंगे तो आप ये सब करना पड़ता है, इसमें भी करिए ना, ये प्रोफेशन करना है तो ये भी करना ही है। मैं आप वो लोग बोलती हूँ भी नहीं कर पाते, प्रोफेशन भी नहीं करते, सर्विस भी नहीं कर पाते, और काने में भी नहीं आगे आ पाते, ऐसा फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं, नहीं उनका गाना अच्छा है, गाना अच्छा है, लेकिन कुछ तो भी फैमिली के लिए कुछ तो भी करना है, उनको कमाना तो है, तो इसे भी नहीं कमा सकते, इसलिए सर्विस करना पड़ता है, और सर्विस के झंझट में
उधर जाएंगे तो इतने इधर कम हो जाते हैं, ऐसा हो जाता नहीं। इसके लिए सोसाइटी में अवेयरनेस आना चाहिए कि भाई हमारी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे कलाकारों को जो उभरते हैं उनको एनकरेज करें, ऐसे उनके लिए एक सोसाइटी वगैरह कुछ तो। मैं गुरुकुल में हर महीने एक प्रोग्राम करती हूँ कि जो लोगों मतलब ज़्यादा नाम नहीं है उनका लेकिन अच्छे कलाकार है, लेकिन जो आते हैं सुनने के लिए, जैसे हमारे ऊपर बहुत ओब्लाइज करते कि आए हम सुनने के लिए, उनको फ्री प्रोग्राम होता है, सारा खर्चा मैं उठाती हूँ, फिर भी ये हालत है, फिर क्या करें। ये सोसाइटी में एक अवेयरनेस आना चाहिए कि भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये कल्चर है, ये बच्चों को हमें आगे लेना है। छोटे छोटे फंक्शनों में घर 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 में प्रोग्राम क्लासिकल के होने चाहिए। हाँ, मतलब जैसे बच्चे का कुछ नामकरण समारंभ, शादी है, शादी है, ब्याह है, मतलब और अलग अलग इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम और कलाकारों ने जाना चाहिए इतने छोटे इसमें, और वो उनको किस प्रकार से आप संगीत सिखा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे भी। इसको तो चैम्बर म्यूज़िक ही कहा जाता है वास्तव में, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनने से लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। कि जैसे नाट्य संगीत के पहले घर घर में प्रोग्राम होते थे, इसलिए महाराष्ट्र में संगीत लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता था, आजकल वो बंद हो गया है। तो ऐसा ना करते हुए छोटे छोटे प्रोग्राम, अरे मतलब आज से शुरू कर दीजिए सब लोग मतलब हमको बुलाइए कहने का। हाँ, रेडियो में हम उस वक्त अच्छा काम किया है, रेडियो बड़े कलाकार भी जी बहुत फॉर्मल और वो होना है तो सिंपल घर में। कभी कभी बड़े कलाकार भी राग सुनाते समय कुछ ऐसे कहते हैं कि हम ये फ्रेज लेते हैं उसको अब ध्यान से सुनिए, ऐसे बोलते हैं बीच बीच में भी। क्या कहते हैं उस हाँ, मतलब गाते हुए भी सामान्य लोगों को समझ में आए इस बात की ओर वो ध्यान देते हैं कि हम ये सुर का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है कि नहीं ये, हाँ ये होना चाहिए ताकि उनको मतलब सभी लोगों को राग संगीत भी अच्छा लगे और उनको भी थोड़ा। मेरे यहाँ मैंने हमेशा अनाउंस करते कि ये प्रोग्राम के बाद जिसको कुछ पूछना है आर्टिस्ट साथ साथ कार्यक्रम के बारे में तो पूछिए, सब लोग चुप बैठे कुछ पूछते नहीं, क्या करें फिर। इन्वॉल्वमेंट जो है ना, ओपन होना, वो करते नहीं ये लोग। सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं समीक्षण के लिए और राग संगीत की जानकारी बढ़ाने के लिए, क्या हम कर सकते हैं क्या? मतलब क्या करना है? सोशल मीडिया का जो यूज़ है, यूट्यूब होता है या फिर आजकल फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, आजकल कितना आता है उसमें मटेरियल। मैं तो देखती बिल्कुल खाली फ़ोन करना लेना इतना करती मैं लेकिन बाकी लोग क्या क्या करते हैं, फिर उससे कुछ फ़ायदा हुआ है क्या, मुझे मालूम नहीं है। इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है बोलते हैं वहाँ तो। नमस्कार दाई, कन्फ्यूजन बढ़ गया है। नमस्कार, कन्फ्यूजन बढ़ गया है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, थोड़ा पूछना चाहिए था, अभी अलग अलग जगह से वो क्वेश्चन ऑलरेडी आया है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए कि अपना जो इंडियन म्यूजिक है उसमें अलग अलग घराने हैं, अलग अलग इतने राग हैं, तो अबाउट वेस्टर्न म्यूजिक क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, कुछ पता चलेगा? एक बेसिक डिफरेंस है, हमारे यहाँ मेलोडी है, उनके यहाँ हारमोनी है, बेसिक डिफरेंस जिसके ऊपर हमारा संगीत खड़ा है, उनका संगीत खड़ा है। अभी आगे बोलने से सबको वेस्टर्न म्यूजिक का मालूम होना चाहिए तभी कुछ बात करनी मतलब है। धन्यवाद। बोलते ही रहते हाँ, आधा आधा भाषण आधा गाना ऐसा हो गया है। और गाते गाते क्लासिकल गाते गाते पिक्चर का गाना भी शुरू हो जाता है। खाली पिक्चर का नहीं, आजकल और भी बाहर का भी होता है, जनगण मन शुरू होता है, वंदे मातरम शुरू होता है, आजकल ये हो रहा है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते गाने लगते हैं। नहीं, वो तो पुराना था जनगण मन, और सबको उठने के लिए भी बोलते हैं।
तैना तैना बाइक दे थमत थमत सादरीकरणाच्या आधी जर कलाकारांनी सॉरी प्रेजेंटेशन के पहले जो आप करने वाले हैं नॉट एज एक्सप्लेनेशन मगर जो उसकी खासियत है विशेषता है आप ध्यान गौर से सुनिए इतना बोल इतना दिया काफी है तो वो अभी इन 60s व्हेन आई स्टार्टेड डांस के बारे में भी बिल्कुल किसी को पता नहीं था मेरे पिताजी कहते थे तू बता दे माय अप्रोच वाज माय वाज नेवर सो आउटस्पोकन का नहीं नहीं लोग नहीं सुनना चाहते नहीं तू बोल बट द वे आई वो स्टाइल ऐसे डेवलप हुई नॉट टू टेल एवरीथिंग बट सजेस्ट देखो अभी ये होने वाला है इसमें ये है देखिए आपको समझ रहा है सो ऑडियंस इज अटेंटिव एंड आई एम हैप्पी टू से दैट ऑडियंस फॉर डांस हैज़ इंक्रीज डेफिनेटली तो ऐसे थोड़ा हो सकता है कि पहले ही आप बोल दीजिए ये राग है इसके मैनी पीपल टेल अबाउट द नेम ऑफ द राग ऑडियंस में एटलीस्ट 60% दे डू नॉट नो इसकी ये खासियत है देखो ये सुर ये इसका अभी इसका सौंदर्य आप समझ लीजिए बस उतना काफ़ी है तो बीच बीच में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे मुझे लगता है ऐसे ये थोड़ा डेफिनेटली बढ़ेगा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ म्यूज़िक उसके बारे में कलाकार खुद दो चार सेंटेंस पहले बोल दे तो डेफिनेटली ये गृहित होता है कि चलो ये कोई कोई तो राग भी कौन सा है वो खाली नाम से कुछ दैट मेक्स नो डिफरेंस मधुकम से या और कुछ है मगर ये राग की ये विशेषता है इन अ वेरी नाइस मैनर विदाउट लाइक साउंडिंग टेक्निकल जो आप बता देते आजकल कोई प्रोग्राम्स में होता है ये और इससे द अप्रिसिएशन डेफिनेटली आई थिंक विल इंक्रीज और जो एक मुद्दा इन्होंने बोला था कि मुझे लगता है सिर्फ शास्त्रीय गाऊं ऐसे भी उल्लास जी जैसे कलाकार हैं जो नहीं गाते हैं सिर्फ क्लासिकल ही गाते हैं आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और ऑडियंस मांगते हैं मुझे लगता है कि आप दीजिए ना वाई शुड ऑडियंस डिसाइड वॉट यू हैव टू गिव आपको जो देना है वो कॉन्फिडेंस से दीजिए ज़रूर ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी इट्स नॉट दैट ऑडियंस मांगते हैं तो देना ही पड़ता है ऐसा क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है दैट्स माई ओपिनियन और मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी है वैसा जो आप करते हैं उसमें फुल फेथ रखिए ओनली क्लासिकल यस आज आपको इसी का मजा लेना है मैं इसी को करने वाली हूँ सुनिए इस तरह से पेश आए तो ज़रूर ऑडियंस की टेस्ट हम बनाएंगे वाई शुड ऑडियंस मेक यू टू प्रेजेंट यही करना है वही करना है क्यों इसकी ज़रूरत नहीं ऐसे मुझे लगता है आप करके देखिए मैडम ने जो कहा है लेकिन इसमें कंटिन्यूटी रही तभी बात बनती है अब चार साल में एक आध म्यूजिक एप्रिशन प्रोग्राम करो उससे कुछ कुछ नहीं होता है कंटिन्यूस लिसनिंग कॉन्शियसली एक्सपोजर अगर होगा तभी उसका कुछ असर होने वाला है क्योंकि अगर आपको कुछ मालूम ही नहीं है मैं श्याम कल्याण की अगर बोली इसकी खासियत आप क्या समझेंगे अगर मैं बोलूँ कि मुझे कल्याणांग इसमें लाना है मैं देखो ला रही हूँ आपको कुछ मालूम ही नहीं उसका क्या फ़ायदा है कुछ तो बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए देन इट विल हैव सम इफेक्ट हाँ खूब थोड़ा तो बैकग्राउंड होना चाहिए उसलिए आपके तरफ से थोड़ी शिक्षा लेने की मतलब कॉन्शियसली करना चाहिए कि मुझे थोड़ा मालूम करना है थोड़ा सुनना है कॉन्शियसली पढ़ना है करना है हाँ डांस का फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट क्यों विजुअल थोड़ा सपोर्ट करता है यहाँ एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट क्या चल रहा है मालूम नहीं मुश्किल होता है राग का नाम मालूम होने से क्या होता है फर्क क्या पड़ता है अच्छा गा रहा है तो अच्छा गा रहा है पर उनको तसल्ली होती है हाँ, वो
मित्रा का नाम तसल्ली के लिए ठीक है, बस और कुछ नहीं, तसल्ली के लिए ठीक है। हाँ, बाकी तो सब वही होता है। मैंने ये राग सुना, राग के नाम पता चलते हैं फिर वो तसल्ली होती है, और कुछ नहीं होता उसे। नहीं वो ठीक है, जितना करना चाहिए उतना ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ऑडियंस को खुद को ट्रेन करना है कॉन्शियसली, तभी ये बातें हो सकती है। एक बहुत बड़ी अच्छी चर्चा हम लोग कल से कर रहे थे और प्रभाताई ने बहुत सुंदर ऐसा मार्गदर्शन हम लोगों को किया है। मैं अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार से उनका हमारे लिए उनकी सहायता हर समय हमको मिलते रहे, इनका मार्गदर्शन हमको मिलते रहे, ये प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग इतनी अच्छे तरह से इसमें पार्टिसिपेट हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हर समय आते जाइए, थोड़ा सा इस पर चर्चा हो जाए तो हम इसका स्तर बढ़ाने में सफल होते रहेंगे। इसलिए आप सबको धन्यवाद। तबला संगत के लिए पांडुरंग जी मुखड़े को बहुत बहुत धन्यवाद। खास प्रस्तुति के लिए चेतना जी यहाँ आई और अश्विनी मोड़क जी पुनः से आई हैं, सर्वडीकर भी आए हैं, तो इनका भी मैं आभारी हूँ। और ये हमारा यहाँ समाप्त होता है। मैं एक मिनट मैं बोलती हूँ, मुझे भी बहुत आनंद आया। क्या होता है कि हम खाली गाते बैठते हैं, बात करने का मौका नहीं मिलता। जी जी जी, जी। मैंने कहा ना कि हमारा ऑडियंस नॉलेजेबल हो ताकि हम और ऊपर उठे। त्याच्यासाठी मी येणार आहे परत। हमारे यहाँ क्या कि बहुत गूढ़ है वो, वैदिक है, वैश्विक है, दैवी है, सब असं करता करता आमचं संगीत असं नेऊन ठेवलं आहे। आणि आम्ही प्रोफेशन करतो आहे, चांगले पैसे घेतो आहे, चांगल्या हॉटेलमधनं राहतो आहे, एक्झिक्युटिव्ह क्लासमधनं फिरतो आहे, हे सगळं करतो आहे। परत म्हणायचं आम्ही दैवी म्युझिक गातो ना, आम्हाला तिथे लिंक लॅक्चर लागल्याशिवाय आम्ही स्टेजवर येत नाही वगैरे, हे सगळं हे तुम्ही लोक टॉलरेट करता हे चांगलं नाही आहे। ऑडियन्सने शिकवायला पाहिजे कलाकाराला, किंवा तू प्रोफेशन करतो आहेस ना तो ठीक कर, बाकीचं सगळं घरी कर। कलाकारांनी सामान्य माणूस म्हणून सुद्धा जगण्याची गरज आहे आणि त्याच्यातूनच खऱ्या अर्थाने तो मोठा कलाकार होतो। फार सुंदर, अगदी अतिशय।